नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोस्टिंग सेशन में। आप लोगों को पता ही होगा कि CA लागू हो चुका है और उसके साथ ही जो RR होना होता है इन लोगों का, पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल में बोल रहा हूँ 2019 में, लगता है कि पिछला ही साल था, इतना ये निकट है। और फिर अब ये आरंभ हो चुका है, असम में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग रवि जी टाइप के वो भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने बोला, बताइए, SBI इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर इतनी अधिक चर्चा हो रही थी, उसको एक भी दिन नहीं रहने दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि रमजान जिस दिन से आरंभ हो रहा था उस दिन ये जो है ये एक विशेष नेचर है, अब तो कोई प्रिटेंस भी नहीं है कि हम मुसलमानों से घृणा करते हैं, ये सब करके जो है नरेंद्र मोदी को घेरने की चेष्टा की गई। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है अभी बोलेंगे कि CA तो झांकी है, NRC NPR अभी बाकी है, और क्रोनोलॉजी तो मोटा भाई ने आप लोगों को समझा ही दिया था। तो आज हमारे साथ एज यूजुअल पुलकित हैं। पुलकित, स्वागत है। एक एक करके हम लोग जो है आरंभ किया जाए। आपका कोई ओपनिंग रिमार्क है तो आप वो भी दे सकते हैं। ये ओपनिंग रिमार्क तो मेरा भाई आरफा जी से मुझे याद आ गया था, वो वाला मैं सोच रहा था, मैं कल से सोच रहा हूँ कि इसे नया जख्म माना जाएगा या, क्योंकि देखिए नया तो नहीं है, ये जख्म तो हो चुका है 20 में, हाँ। तो मतलब क्या कहें कि इस पे हर रोज या नया और एक नया जख्म बनता है या फिर नहीं बनता, क्या माना जाए? नहीं, ये तो जख्म नहीं है ना, ये तो एकदम जख्म तो होता है थोड़ा सा, अच्छा, खुरच ये एकदम तो छाती में जो गाड़ दिया था झंडा इनका, राम मंदिर के टाइम में जो इनकी छाती में डंडा गाड़ा गया था, तो मुझे लग रहा है कि हाँ इस बार थोड़ा सा हिला के वहां और मतलब जहाँ गाड़ा गया था उसको और भी जो है वाइड किया गया और ये बोला ये ले NRC का भी तू ले ले। तो नहीं, हाँ ये भी एक शोध का विषय होना चाहिए क्योंकि आरफा जी ने ट्वीट भी नहीं किया कि नया जख्म है या नहीं। अच्छा, आरफा जी ने ट्वीट नहीं किया इस पे? नहीं यार, मतलब कुछ रमजान तो है हमारे पास, हम लोग के लिए तो दुख की बात हो गई कि आरफा जी ने इस पे ट्वीट नहीं किया। आरफा जी करना चाहिए था। अच्छा, ये उन्होंने कुछ इंग्लिश बहुत सारी लिख दी। अच्छा, बताइए थोड़ा इस विजय के विकृत सेलिब्रेशन की तरफ देखिए। CA जो है कभी भी एम्पैथी मतलब सहानुभूति के लिए नहीं था, जो कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं, लेकिन हमारे देश में जो हेट्रेड है उनके लिए था। मुस्लिम से घृणा करना एक राष्ट्रीय भाव बन गया है भारतवर्ष में। अब इसमें मतलब मुझे लगता है कि कई तरह की प्रॉब्लम्स है इस स्टेटमेंट में। एक तो है कि कुछ लोगों को कितना भी पढ़ा लिखा दो, वो पढ़ते लिखते हैं नहीं, उनको वही करना है जो मदरसे के मुल्ले मौलवी ने कहा है कि नहीं इसमें जो है मुसलमानों है, को CA हाँ है, जबकि मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है इससे। ममता बनर्जी भी वो कर रही थी ना कि मतलब नागरिकता हाँ। जो है छीन ली जाएगी, ये सब नहीं, वो तो वीडियो हम बाद में चलाएंगे, पहले ये आरफा जी पे देखा जाए कि ये किस तरह से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका ये हाल है, आप सोच लीजिए। तो जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, पंचर उंचर लगाते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, उनके साथ तो आप जाएगा तो आपको वो समझा देंगे कैसे मुसलमानों को निकाला जाए। डिटेंशन सेंटर और कंसंट्रेशन कैंप, जितना भी जितनी भी फासीवाद वाली किताब में वो अंग्रेजी जितनी समझ पाए, बिल्कुल ट्रायम्फेंट। मैं तो यही एकदम गिर गया। अच्छा, द अगली सेलिब्रेशंस, अगली सेलिब्रेशन। CA वाज नेवर अबाउट एम्पैथी फॉर पर्सिक्यूटर बट हेटर। भाई हम क्यों घृणा करेंगे इसमें जब उनके लिए कुछ है ही नहीं? हाँ, हम सेलिब्रेट NRC को करेंगे क्योंकि अमित शाह ने जो क्रोनोलॉजी समझाई थी उसमें NRC बोला था कि ये जब हो जाएगा फिर NRC आएगा, फिर NRC हम उसको लाएंगे। तो इन लोग को तैयारी करनी चाहिए, 5 अगस्त आ रहा है, इस वक्त देखते हैं। ये अपना लाए थे ना एक, तो वो फरहान अख्तर लॉजिक के पहले ये आएगा, हाँ, फिर तुम NRC से सबको निकाल दोगे। अरे नहीं, वो मीठा आदमी लाया था, योगेंद्र यादव। अच्छा, ये एक वो लाए आएगा, तो देखो पहले CA आएगा फिर NRC से तुम सबको निकाल दो, उसमें हिंदू भी निकल जाएंगे, उसमें डी लिख दिया जाएगा, तुम हिंदू डी क्यों लिखा जा रहा है, डी लिखा जाएगा, उसके बाद आपके वोट करने की वो एबिलिटी छीन ली जाएगी, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, फिर
इलेक्शन कमीशन के पास वो डेटा चला जाता है, इतना उसने इलेबोरेट करके मीठे मीठे शब्दों में बोला था। अरे यार ये सब खुद बनाते हैं योगेंद्र जी घर पे, मुझे ऐसा लगता है। घर में बैठता है उसका फोटो एक देखा नहीं, खाली आदमी, एक बड़ा सा लॉन था उसमें चटाई उठाई बिछा के अपना एक मैकबुक और ये सब लेके बैठा हुआ। बताओ बड़े से लॉन में बैठे कितने गरीब वहां पे आ सकते थे, तब भी इतने बड़े लॉन में अकेले। कमेंट भी बीच बीच में लेते जा रहा है, तो इसमें कमेंट भी आज लोगों के बढ़िया कमेंट अगर आएगा तो हाँ हाँ आरफा जी के लिए लोगों ने बना के रखा था पर उन्होंने किया ही नहीं दिल्ली से ओबीसी। अच्छा सही बात है, यहाँ पे उस जख्म का इलाज नहीं होता है, उस जख्म का इलाज मुझे लगा मोहल्ला क्लिनिक में होता होगा वो वहां पे है ना। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में भी यूपी और बिहार वाले बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो अब आरफा जी यूपी की है ना संभवतः, कहाँ की है आरफा जी? अर्थ की है वो, आप उन्हें इस तरह बांटिए, धरती की है। नहीं हाँ मतलब इधर ही पश्चिम उत्तर प्रदेश है। उन्होंने अपनी कहानी एक बार सुना रही थी ना, वो वाला राम मंदिर के उद्घाटन के समय सुना रही थी कि किस तरह एक बच्ची को भागना एक बच्ची पड़ा को 17-18 बार उसने बताया था, 3 मिनट में 3 बार भागी थी वो बच्ची, पता नहीं कितना भाग रही है वो, मिल्खा सिंह से ज्यादा बच्ची भाग अभी तो बाकी निकल गई होगी मुझे लगता है रास्ते से कहीं पे चली, वो तो धरती देखे गोल होती तो लड़की वापस आ जाती, लेकिन धरती है चपटी तो वो पलट गिर गई होगी। हो सकता यार हम लोग का ऐसा ना हो कि ये लोग वीडियो रिकॉर्ड करके बोलेंगे दिस इज द ट्रायम्फलिज्म दैट आई वाज द अगली सेलिब्रेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट। नहीं मैं तो, अगर वो शब्द मैं हूं तो बढ़िया है, बहुत बड़ा शब्द है वो तो। अरे यार ये सब लेकिन समस्या हो जाएगी अगर इसके लिए हम कोर्ट गए एड टू ब्रॉडकास्ट। हां सौरभ जी चिल्ला चिल्ला के सबको भाई मत बताओ पुलकित, सही बात है भाई। नहीं देखिए ना अगर उस वाले चीज को लेकर के कोई केस होता है और मैं इमेजिन करूं कि मैं कोर्ट में खड़ा हूं और मुझे डिफेंड करना है अपने आप को, तो मुझसे अगर जज ने पूछ लिया ना कि तुम्हें पता है अरफा ने तुम्हें क्या बोला था, मैं बोल नहीं पाऊंगा। हो सकता है मैं वो हूं पर मैं बोल नहीं पा रहा हूं। ये वाला लगावा देखो भैया, ये जो सी कौन है फिर? और सी तो राहुल स्वयं है। अरे ले सी राहुल स्वयं है, सी कांग्रेस भी होती है। अरे गलत हो रहा है वो। नहीं बताइए ये एक तो मैं कह रहा हूँ ना सारा एक ही चीज के लिए किया जा रहा है, वो है यात्रा। देखिए यात्रा खत्म होने आई, 3 दिन में खत्म होने वाली है। नहीं नहीं यात्रा हो गया, अच्छा, खत्म हो गया। आज महाराष्ट्र में देख रहे थे हम तो, महाराष्ट्र में घुसे थे शायद मुंबई में। अरे फिर लग रहा है मुझे साला ट्विटर लोगों ने झूठ बताया। हाँ मतलब शायद खत्म के कगार पे है, आखिरी स्टेट में घुस चुके हैं, मतलब जैसे कांग्रेस खत्म के कगार पे। मतलब समझ नहीं आ पा रहा क्या खत्म के कगार पे है, राहुल जी का करियर यात्रा कांग्रेस सब कुछ खत्म। लेकिन हाँ देखिए पूरा 2 महीने तक चली और सारा मानी चाहिए लोगों को। ये कपिल गोयनका जी का जो भी आर्टिकल 14 का आर्गुमेंट दे रहे हैं वो बहुत चू है। आर्टिकल 14 नॉन सिटीजन पे कैसे लागू हो सकता है ये तो नॉन। अब वही बात है ना कपिल जी की, ये कपिल भाई इतना आप समझते हो ये मैं समझता हूँ ये समझता है। लेकिन वो जो बेचारा इंदर लोक के रोड पे दरी बिछा के नमाज पढ़ता है, जिसको उसी वक्त बताया जाता है कि भाई तुम्हें तो निकाल बाहर करने की साजिश मोदी कर रहा है, सड़क पे आओ, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ओ वो जो है लाखौल पिला क्वार्टर और जो भी होता है वो सब, हाँ तो वही है कि आपको पता है मुझे उनको थोड़े पता है। नहीं आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की तो मुझे एक याद आ गया। ओ भाई ये क्या थोड़ा लिख दिया, 1.5 किलोमीटर का यार, तो पढ़ नहीं पाएंगे हम लोग। ओ अच्छा गरीब और मध्यम वर्ग और पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को यानी पड़ोसी देशों के लोग भारत में लाकर बसाना, अच्छा क्यों अपना वोट बैंक बनाने के? भाई साहब ये सही है, जब युवाओं के पास रोजगार नहीं तो पड़ोसी, इन्होंने पंजाब में बहुत सारा रोजगार मुझे लगता है कि दे दिया है ना। अरे मतलब पकड़ पकड़ के एकदम ये, लेकिन इस पे नहीं बोला, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी पे कभी नहीं बोलता थोड़े है। फिर ऐसे थोड़ी फिर जहांगीरपुरी जाना है ना वोट लेने, इनके ही लोग लगा रहे थे ना बिजली कनेक्शन और ये सब नोटिफाई कर रहे थे, अब तो खुद ही अपने नाले पड़े हुए हैं। इस बार लगभग तो हाँ कर दिया है, लेकिन अभी मैं हाल ही में
जिन सीटों पे मैं कुछ दिन पहले चांदनी चौक की था मतलब, तो वहां पे कुछ सीटों पे बात चल रही थी किसे टिकट मिलेगा, ये वो कांग्रेस के हिस्से चली गई है। हाँ। तो मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो हैं जो बेचारे बड़े हुए हैं कांग्रेस को गरिया गरिया के, उन्हें लगा था क्रांति एकदम केजरीवाल क्रांति, और वो सीट चली गई वो कांग्रेस के हाथ। अब बोल रहे हैं यार ये क्या लड़ेंगे, हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे साथी है। लेकिन वो ये जो चिंतित हैं कि भाई भारत में जो तीन देशों के प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज आएंगे उनकी जॉब को लेके ये चिंतित है आदमी। बताओ मनीष हैंडसम सिसोदिया भूल गया और संजय जी को भूल गया, सतिंदर भाई तो अब इनके मतलब चर्चा में भी नहीं आते हैं, और रोहिंग्या और बांग्लादेशी ने जिसने एक्चुअल में दिल्ली और एनसीआर में मेड का जो पूरा इकोनॉमी है उस पर कब्जा किया हुआ है, उस पर नहीं बोलता है कि भाई उन लोगों ने जॉब ले रखी है कि नहीं, तो ठीक है इनको तो। और गुड़गांव में तो साफ हो गया था जब बीच में विवाद हुआ था मेवात वाला, उसके बाद गुड़गांव में सोसाइटीज में साफ हो गया था, मतलब पता चल गया वो लोग जाने लगे तो कहाँ जा रहे हैं, पता चला कि बांग्लादेशी है वो मालदा का बोल के रहते रहते हैं लोग समझते हैं। अरे मालदा पिछले मकान में हमको बहुत लेट में पता चला, वो भी कहती थी, वो बोलती थी कि हाँ मालदा से हूँ। हाँ तो सबसे ऊपर अलकाजूरा सबसे पहले जब नोटिफिकेशन इंडिया इंप्लीमेंट्स एंटी मुस्लिम 2019 सिटीजनशिप लॉ वीक्स बिफोर इलेक्शन। अच्छा ये लोगों को बड़ी समस्या है, ये कई लोगों को है वाली समस्या इनका ना, इनका वो रंग भी लाल रंग का है, तो मुझे लग रहा है कि वो खून बहुत कुछ लाल खून जो है खून खून निकल रहा है। मैंने सुना तुम खून थूकती हो जानकर बहुत तसल्ली हुई, तो ये वाला है बेचारे अलकाजूरा का। नहीं ये जो ला रहे हैं ये वाला जो लॉजिक ये ला रहे हैं प्रियंका चतुर, अच्छा वो चतुर्वेदी हैं, हम चतुर के बाद इंप्लीमेंटेड बिकॉज़ रूल्स वर नॉट नोटिफाइड, नाउ 2024 जस्ट अ फ्यू डेज अवे फ्रॉम इलेक्शन, विल इट एड्रेस फार्मर्स कंसर्न ग्रोइंग। नहीं यार प्रियंका जी आप कहां, वो सीए का पढ़िए, उसमें ये सब नहीं आता है, हैं इन सब के लिए सारा चीज अलग है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाउएवर इनको ऐसा तो मुझे लगता है अलग अलग व्हाट्सएप आता होगा, अलग अलग करना एक में कर देती है। हाँ वही वही, मुंबई वाले थोड़े ज्यादा लिखे पड़े होते हैं ना, हम नॉर्थ इंडियन थोड़े अनपढ़ हैं, उनको कुछ क्वेश्चंस आए वो भी लेते चलते राम मंदिर के जख्म और में नमक और स्थान विशेष में मिर्च नींबू निचोड़ कर भर गया है, राघा क्या करे, चलते रहे कि छोड़ दे, समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या। वो बोल रहा है भाई वनवासी को और आदिवासी को अलग अलग बता करके, उसका अलग चल रहा है, वो अलग आज काल जी भाषण दिया है, मतलब मुझे भी नहीं पता था, बोले वनवासी जो होता है उनका हक नहीं होता है, आदिवासी का होता है, और इसीलिए भाजपा वाले तुम्हें वनवासी कहते हैं, वनवासी कहते हैं भाई साहब, बोलने से भाजपा वाले भी सोच में पड़ गए यार कब बोल गए हम। उनको भी लगता है जैसे वो भी कन्विंस्ड है कि उसका नाम एक है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वो जो है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो मतलब एलिजिबल हो जाता है, तो इनका शब्दों का ही खेल है कि आदिवासी हम बोलते थे, उसने वनवासी बोल दिया, तो अब बात तो नहीं। आज वाली तो बहुत कालजयी थी उनकी स्पीच, मतलब मुझे लग रहा है मैं देख रहा था नहीं, तो हम लोग कंपाइल कर रहे हैं ना वो, तो अगले तो रोस्ट में लेंगे ना भाई, राहुल जी की यात्रा समाप्त होगी तो हम लोग पूरा मतलब फाइल जैसा जैसा उनके लैपटॉप मीडिया ने उनके साथ किया हम नहीं करेंगे, हम कवर करेंगे, हाँ, इस पहले बार भी तो कवर किया, अबैंडन कर दिया बेचारे को, नहीं इस बार मजा नहीं है यार, कोई ये नहीं कह सकता कि मीडिया हमको गोदी मीडिया नहीं कह सकता कोई, हमने राहुल जी का कवर किया अब जो उन्होंने दिखाया हमने वो कवर कर दिया भाई। ब्रदर विल राजदीप स्वाइप बीइंग टीएमसी एमपी शी विल क्रिएट रकस एंड डू इलॉजिकल ड्रामा ऑलरेडी लेफ्टिस्ट। यार एक तो वो आजकल पता नहीं आ जाते हो माइक लेकर के, और वीडियो जी ने लिखा है, देखिए अच्छा हाँ लिखा है साहब सागरिका जी, जब वीडियो पे आते हैं ना मुंह लगता है उबले हुए अंडे जैसा, वो लगता है उनको उबाल दिया है किसी ने, मतलब ऐसे ही लगते हैं, मतलब मैं कोई मतलब रूप रंग पे वो सब नहीं करता, मुझे तो संयुक्ता जी भी ठीक ही लगती हैं, तो सागरिका संयुक्ता सब एक ही तैलिक चट्टे बट्टे हैं। हाँ ये क्या लिखा था, तो मैं मतलब प्रोफाइल पिक्चर्स में नीचे जा ही नहीं पा रहा हूँ, चश्मा इतना बढ़िया कैट आई वाला चश्मा लग रहा है, हाँ मेरा साला 1600 रुपए का चश्मा कितने साल से ढो रहे हैं। हाँ तो ये आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट प्रोवाइडिंग इक्वालिटी, भाई अब वही है 15 प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अब इसमें क्या है पुलकित, कि कई ऐसे
लॉ हैं भारत में जो ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। माइनॉरिटी लॉ हो गया, क्या है, अल्पसंख्यकों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो बना सकते हैं, बहुसंख्यक नहीं खोल सकता, मतलब बहुसंख्यक एक्सक्लूसिव नहीं बना सकता है। जैसे BHU का नाम में हिंदू यूनिवर्सिटी है, लेकिन ऐसा नहीं हो खाली हिंदू ही वहां पे पढ़ेगा। वही जैसे MU वाली बात है ना, MU में दलित आरक्षण नहीं है, BHU में बाकी माइनॉरिटी आरक्षण वो सब होगा। तो लॉ है, वो एक्चुअल में लॉ है, प्लस माइनॉरिटी के लिए एक अलग मंत्रालय है, मेजॉरिटी के लिए नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। और भी कई जगहों पे माइनॉरिटी के लिए अलग अलग 16 या ऐसे 18 स्कीम चलती हैं, इतनी स्कीम चल रही है तो बाय डिफॉल्ट। और जो लोग सिटीजन नहीं हैं उस पर भारत का कानून लागू नहीं होता है, वो इक्वल नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। फिर तो तुम कह लोगे कि भाई रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी मतलब इंडियन, क्योंकि वो यहाँ पे घुसे हुए हैं इसलिए उनके ऊपर इंडियन लॉ जो है अप्लाई होना चाहिए, और माइनॉरिटी स्कीम का स्कॉलरशिप कुछ लोग तो बांट ही रहे हो ऐसे। माइनॉरिटी का तो मैं सोचता हूँ कितना बड़ा, सोचिए ऑक्सीमोरॉन है ये, आपने प्रीएम्बल में डाल दिया सेक्युलर, सेक्युलर का अर्थ हो गया भैया सब पंथ बराबर है। अब जब सब बराबर ही हो गए तो कौन मेजोरिटी कौन माइनॉरिटी, तुम सबको बराबर वो दोगे ना, तो ऐसा या तो किसी पाकिस्तान जैसे देश में मैं मानू की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बने, तो तुम साला मारते बहुत हो, इनको कन्वर्ट कराते हो, तुम इन पे शोषण करते हो, इसलिए इनके लिए एक विभाग, मतलब कोई पीड़ित होगा। रिजर्वेशन क्यों डाला गया था संविधान में कि भाई कुछ समय से उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, इसलिए उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एक समय तक उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। अब हमें लगता है उस स्तर पे आ गए हैं, उनको भी अपने स्तर पे छोड़ना शुरू कर देना चाहिए, वो नहीं छोड़ रहे, वो अलग बात है, जो अपलिफ्ट हो गए वो भी नहीं छोड़ रहे। तो अगर किसी का प्रोसिक्यूशन हुआ है तो उसे मिले, आपने डाल दिया सेक्युलर, इसका मतलब सब बराबर है, कोई किसी का माइनॉरिटी या मेजोरिटी के आधार पर प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा। उसके बाद भी तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चला रहे हो, और जो आपने रिलीजन के बेस पे कहा वक्फ एक्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है, मेरी जमीन है वो, थिंक हिंदुओं को उससे अलग रखा, हिंदू नहीं नॉन मुस्लिम्स को सभी अलग कर दिया गया, उसके प्रॉपर्टी राइट्स अपने हिसाब से हो गए। पार्थसारथी जी का फिर से लगाइएगा जरा सा ऑलरेडी। हाँ तो ये TMC MP होने के कारण नहीं करेगी, इसका तो वैसे भी मतलब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, तो दे आर ऑलरेडी मोटिवेटेड, वो MP होती नहीं होती फिर भी वो यही बात लिखती। अब यह है कि कल जो है मंडल को मोंडोल बोल के और आ जाएगी और बताए कैसे वो बंगालन है और बाहर से आई है और किस तरह से जो है मतलब डिस्क्रिमिनेशन ये सब चल रहा है, तो वो तो ऑलरेडी इस बार, लेकिन ये होगा कि इस बार होगा कुछ नहीं इनसे, ये दो चार जगह चिटपुट ड्रामा करेंगे। हिमांता बिस्वा ने शायद वो कर दिया ना, नहीं वो दिख भी गया है इनका, इनको इस बार ये भी पता चल गया है कि इस बार मिस इन्फॉर्मेशन उस स्तर पर फैल नहीं पाएगी। एक वो था, देखो एक और चीज है ना, भाजपा वाले फिर कहेंगे जी जी चुनाव के समय में जो आप हमें मोदी जी कमजोर कर रहे हैं। 2019 में भी जो ये CA दिसंबर में जो आंदोलन चालू है शाहीन बाग, तो यार 16, 17, 18 ये 3 दिन जो दंगे हुए थे जामिया वाला, राइट याद होगा, दिल्ली पुलिस ने कंटेन कर लिया था उन 3 दिनों उन दंगों को। उसके बाद फिर ये लोग बैठा रहा और ये जो सरजील इमाम ये लोग था, फिर शाहीन बाग बनाता है, उस वक्त भी वो हटा दिया था, एक दिन हटा दिया था बैरिकेड ये सब और सब चले गए थे। फिर इनको कहीं से PFI और ये सब से आया कि करो, और फिर भाजपा को लगा कि एक्सपोज कर देंगे क्योंकि अगले साल चुनाव फरवरी में, जनवरी फरवरी में, तो उन्होंने एक्सपोज करने के चक्कर में जो है वो होने दिया था 100 दिन, नहीं तो पुलिस चाह लेगी तो कुछ भी नहीं। किसान वाला था जैसा। इस बार देखिए देख लो कि पिछली बार चाहा था हो गया, इस बार नहीं चाहा था वहीं से लोग किसान में तो कुछ भी नहीं रहा इनको। इस बार इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हरियाणा पुलिस एक तरीके से सिलेबस के बाहर से आ गई, ये दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपेयर थे कि अरे यार इनको तो पीट देते हैं, ये तो कुछ करती भी नहीं है, होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर होते नहीं, कोई भी पीट जाता है, कोई भीड़ पीट जाती है अंदर लोग की, कभी लाल किले में उनको, दिल्ली पुलिस को ऐसा समझ रखा है सबने कि कोई भी आके कूट जाओ पुलिस वाला वो है नहीं उनका, वो लेकिन ट्विटर पे अपनी छवि निर्माण में लगे रहते करते रहते हैं क्लीन। हरियाणा पुलिस आ गई आउट ऑफ सिलेबस बीच में से, कह रहे अरे तुमसे तो प्लान के पहले इधर लट्ठ बजाएंगे। नहीं इससे मुझे याद आया भाई एक उसी, चलो
नहीं तो छूट जाएंगे बहुत सारे तो लोग, बहुत सारा ऊपर चलो एक तरफ से ये हटा दो। हाँ ये सुपर जनरल। अच्छा एक स्पेकुलेशन लोग जो बहुत लगा रहे थे, हाँ अमित शाह भाई, अच्छा कार का नंबर प्लेट, हाँ नहीं नहीं ये तो उसने क्या कहते हैं ये स्किन डॉक्टर, इन्होंने बहुत मजेदार रोल लगाया कि 11 एकदम। नहीं नहीं एक्चुअल में भाजपा के हैंडल से ये ट्वीट आया है, सीए को गोला करके और ये बाहर निकाल के इन लोगों ने किया कि वो सीए किया हुआ है, और सीए बी पहले था वो बिल था वो, अब एक्ट हो गया, कानून हो गया, नोटिफाई। तो ट्रोलिंग भाजपा वाले किस किस लेवल पे करते हैं, इनको खुद भी मजा आता है कि 56 कर लो तुम लोग। 370 खुद ही नहीं किया था मोदी जी ने राज्यसभा में, बोलते ना 370 नहीं नहीं मैं सीट नहीं बता रहा हूँ। यार कमाल है। बाकी दो असली सीएम दो ही हैं इस देश में। नहीं नहीं ये तो मैं गलत उस पे आ गया, सीएम का एक और होगा, ममता जी का है तो ममता जी ने तो एकदम बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी, जान दे दूंगी बंगाल में नहीं बनने दूंगी। अब देखो ये क्या किसने बोला कि डिटेंशन सेंटर बंगाल में बनेगा भाई, बंगाल में थोड़े बनेगा, राजस्थान में बना दो, जहाँ हमारी सरकार है वहां बनाएंगे तुम्हारे यहाँ को, और किस बात पे मतलब बोली जान दे दूंगी, जान बचा के रखूंगी। मुझे लग रहा है कि अच्छा अमित शाह जी को जवाब दिया अमित शाह को, अरे क्या बात करते जान दे देंगे जान। अरे यार नहीं नहीं ममता जी आप जीवित रहे, लंबे दीर्घायु हों आप, हम तो चाहते हैं दो चार केस हमारे ऊपर आप बंगाल में करें, ऐसे कैसे मतलब खेला हुए होना चाहिए ना। हाँ सीपीआई वाले ने अपोज कर दिया है, सीए नोटिफिकेशन, बीजेपी मूव टू पोलराइज इलेक्शन, वी अपोज। अब हमारे तरफ एक वो आता है कहावत है गांव में, अब जैसे सीपीआई यहाँ पे तो सीपीआई का बात घोड़ा का पान, मतलब उसमें ना गंध होता है ना आवाज होता है, कोई मतलब नहीं, वो इनफेक्टिव चीज होती है, नंगा नहाएगा नहीं छोड़ेगा क्या, हम जो विरोध करते करो कर, साले घर में बैठो विरोध कर रहे, विरोध तुम्हारे बाप निरोध पहले थे तो विरोध नहीं कर पाते, चलो फैमिली शो तो हमारा वैसे सरवारा की क्रांति पे आ गया यार, निरोध मेरी मम्मी देख रही होगी उधर, चलो उसको पता नहीं होगा, मेन बात ये है उनको आइडिया नहीं, ये वाले में हम बात कर रहे हैं बीप कर देंगे एडिट। उसके बाद ओवैसी जी ने भी काफी भाई, आप क्रोनोलॉजी समझ लिया, तो पहले इलेक्शन सीजन आएगा, फिर एससीए रूल्स आएंगे, हमारे ऑब्जेक्शन सेम है, डिविसिव है गोडसे के थॉट। अच्छा इनका कहना है कि इट इज मेंट ओनली टू टारगेट मुस्लिम्स, भाई जब पता नहीं कैसे मुस्लिम है ही नहीं तो टारगेट कैसे हो रहा है मुस्लिम, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब ये पाकिस्तान भी बना लिया, पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, वहाँ मुसलमानों के लिए दे दिया, अब तुम आपस में साला शिया सुन्नी अहमदिया और ये सब में कर रहे हो मारकाट मचा, उसका ठेका हमने थोड़े लिया। हाँ, लिख रहे थे जो नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था उसमें तो ये था ना कि आप हमारे देश की माइनॉरिटी का ख्याल रखेंगे, हम आपके देश की माइनॉरिटी का, जो उधर से मूव करेगा जो जो इन लोगों का मेन सिस्टम है। तो ये तो भारत का उत्तरदायित्व तो बनता है कि यहाँ पे जो उधर के लोग भी हैं, जो उधर के मतलब हिंदू हैं ये लोग हैं, उनको सपोर्ट करने का, उनको ढंग से रखने का ये तो है। और दूसरा ये भी है कि लोग जाएँ कहाँ, हल्ला करते हैं 57 मुस्लिम देश हैं हम लोग, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, तो ले जाओ ना तुम लोग दे दो। अहमदिया को ईरान नहीं रख रहा भाई, नहीं ये कह रहे थे कि अगर आप प्रोसिक्यूटेड की बात करते हो तो अहमदिया को भी लो। ये क्या बात हुई, तुम साला ले लेके तुम लेके जाओगे, इस पे मुझे थोड़ा सा अश्लील चीज है वो, मैं क्या बोलूं, रहने दीजिए, समझदार लोग हैं समझ जाएंगे, को होता ना कि तुम ले जाओगे अपने मतलब उसको भाई बंधु बना के, शिया को भी सुन्नी को भी सबको लेगा, उसके बाद तुम उसे कूटा जा करके कि अब तू वापिस जा। अरे मैं उसको लेने थोड़ी बैठा हूँ, मैं जूटन खाऊंगा क्या बैठ के, यहीं से तो गए थे, यहीं से तो ले गए थे उधर, और तुमने ही जो थे अगर और हिस्ट्री में चले जाएं
ऐसे ही तुमने कन्वर्ट कराए होंगे। हाँ बिल्कुल, बाप दादा उनके हिंदू रहे थे ना कभी, तुमने यही क्या कहते देखो तुम्हारे साथ जात पात होता है। भारत वाला जो इधर से गए थे तो मुजाहिर बोल के क्या बोल के उसको अभी तक स्वीकार नहीं करते हैं लोग अभी तक। मुहाजिर 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 बोल करके अभी बेचारा नसरुद्दीन शाह का याद आ गया हमको सरफरोश फिल्म में। अभी वो बोले नहीं बकरी बकरी ऐसे ऐसे करता रहता था, सिंबॉलिक था। मैं गैया को कर देता हूँ हमारी प्यारी गैया। नहीं नहीं हमारा वो अलग है, उनका उनका जो था वो सिंबॉलिक था मुझे ऐसा लगता है। अच्छा नसीर साहब ने बताया बकरियों से कितना प्रेम है, और प्रेम तो कई तरह बातें भी करती थी बकरी, मतलब मुझे जहां तक बातें क्या वो चिल्लाती थी वो उसको बातें कह लेते थे। एक और ट्वीट किया था ओवैसी जी ने, हाँ इसके रिप्लाई में आया 2 करोड़ का आप कागज ढूंढिया जो ओवैसी को किसी ने ये सेपरेट जीवी को है उठो जागो और कागज बहुत बढ़िया, मगर इनको अपने कागज लेके लाइन में खड़े होने का शौक, चौकीदार से प्यार हुआ था बहुत बढ़िया। अरे ओवैसी जी ये अपने कागज नहीं आपको बोल रहे हैं कि आप लोग कागज जो है वो ढूंढिए, ये ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। कागज का इसकी कागज तो जल गया उसके जल गए थे ये कब? लेकिन बहुत अच्छा एक केस स्टडी है ये मुनव्वर फारूक की, मतलब हिंदुओं के लिए केस स्टडी है। इनको किस किस ने सपोर्ट किया, कौन कौन इसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कौन कौन मजे ले रहे हैं, वहां तक जाना नहीं चाहता उस व्यक्ति तक। वो मतलब उतने रेलेवेंट चीजों को रेलेवेंट बनाना भी कोई हमारे राइट विंग वालों सीखे साला। बाकी मेन हमें क्रांतिकारी ये देखिए ये तो मैं भी मुझे लगा कि ये तो दुख की बात है, ईद के दिन करते तो और अच्छा रहता, हंसी खुशी का माहौल रहता है। सिवा रमजान के मतलब पूर्व संध्या पे तुमने वाज़दर एनी प्रिटेंस ये आप पढ़िए पूरा, मैं तो एकदम इसमें। रमजान शुरू होते शैतान को कैद कर लिया जाता है, शैतान मर्दूद को ये बात बताती इसलिए आज रमजान का चांद दिखले पहले, लेकिन हम उसके नापाक इरादों कब रमजान मुबारक। ये सब वही है इनका, बस एक कटार लेक जेब में घूमते हैं। वो सब छोड़िए, आप ये देखिए कि उसने अपना नाम नहीं भाजा भाई साहब, क्योंकि 4 लिपियों 1 2 3 4 5 छह है भाई 6 है 1 2 3 4 ये दोनों। अच्छा बंगाली है और ये गुरुमुखी, गुरुमुखी अलग है बंगाली 3 4 5 छह भाई साहब ये होता है ये डेडिकेशन। अब ये कटार लेके भी घूमता होगा कि जहां बोलेगा तुरंत अपना कंसिल जो छील दो भाई, कह रहे लो भाई रमजान मुबारक हो गया भाई, नापाक इरादों कामयाब नहीं होने देंगे भाई। इधर देखो ये तो ले लिया था, ये हो गया था। 4 54 घोड़े तो लिब्रान। अरे यार हिमांशु जी कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल। लगता है एनआरसी में रागा निकलने वाला था, बीजेपी ने उसको भारत में रखने के लिए सीए लाया, तभी पारसी क्रिश्चियन इंक्लूडेड है। ये एंगल जो बहुत, और राहुल गांधी तो एमलगमेशन है ना सर्वधर्म संभाव का। मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पारसी भी हैं क्रिश्चियन भी हैं हिंदू, तो दत्तात्रेय कौल कश्मीरी ब्राह्मण है ही, और भी बहुत कुछ मुसलमान भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। मतलब भीतर से अगर उन्होंने स्वीकार कर रखा वनवासी आदिवासी टाइप का भी कुछ कुछ वो होंगे, उनके करीबी जो होंगे वो बता पाएंगे, खड़गे जी बता पाएंगे। नहीं कई बार कुछ पुस्तकें आते तो पता चलता है कि अरे वो बेटा तो उसका था, कुछ लोग क्लेम करते हैं ऐसे। बहुत सारे नेताओं के साथ ऐसा हुआ है, नेताओं नेत्रियों के साथ ऐसा हुआ है कि बोला कि अरे वो जो बेटा था उसका बड़ा फेमस, वो तो मेरा था, मेरा पुत्र मेरा पुत्र। अरे यार ये अमीर लोगों में होता है इतना, हाँ वो पता नहीं चलता है ना। नहीं नहीं राहुल गांधी के बारे में वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो ठीक है। राहुल गांधी कहाँ अमीर है, वो तो गरीब, हम उनको तो कह ही नहीं रहे, तो कुर्ता फटा हुआ था, 2000 रुपया लेके घूम रहे आज तक बताइए। नहीं इस्लाम कबूल भी करता है आदमी, जरूरी नहीं है कि ऊपर में ही कहीं ऊपर में। मैं गियासुद्दीन पे भी नहीं जा रहा हूँ, जो राजदीप जी का कहते हैं कई लोग। अच्छा अपना उन्होंने लिखा है अपना, तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी है जो भी बायोग्राफी उनकी किसी की उनका कराया गया था राजदीप का। हाँ उनका छतरी मित्र छतरी तो उठ गई, योगेंद्र यादव तो सलीम थे साला सहजा, नहीं तो अरे शायद उन्हीं का था योगेंद्र यादव, तो कंफ्यूज हो गया, सारे क्रांतिकारी है ना लाल लाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तो खुल के बोलते हैं भाई। हाँ
राम मंदिर के जख्म के नमक और स्थान विशेष में मिर्च, ये तो हो गया। हाँ, कुल कितने हिंदू नागरिक भारत में समाप्त, ये डिपेंड करता है 2014 से पहले कितनों ने अप्लाई किया है, उसके बाद फिर। और जो बोल रहे हैं ना कि यार जो ओवैसी वाला लॉजिक था या केजरीवाल वाला कि इतना सारा आ जाएगा, भाई 2.5 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या टोटल इस देश में है 71 के बाद जब घुसपैठ हो रखा है, वो बढ़ा ही होगा, घटा नहीं होगा। 2016 या 17 का किरण रिजिजू का स्टेटमेंट है संसद के अंदर। अब उतने लोग और इधर 2.5 लाख को भी अगर दे देंगे, बहुत सारी संस्थाएं जो इसके लिए काम कर रही है, जैसे मजनू का टीला में पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं, उसको तो DDA 2-4 दिन पहले ध्वस्त कर रही थी उनके मकानों को। जैसलमेर में राजस्थान में तोड़ा था ना, आज वहां पे खूब कौन थी, टीना डाबी ही थी ना, टीना डाबी थी, लेकिन वो केस थोड़ा वो आया था, मतलब उन्होंने किया था, उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से बनवाए थे उनके लिए मकान या जो भी, तो वो या तो उन्हें कुछ अपना अंतर्द्वंद क्या कहेंगे उस चीज को, आत्मग्लानी हुई होगी उसके बाद, वो उसके बाद वहां पे जाके वो मिली थी उन सबसे। और अगले, अरे हम बताइए इनके बिना कैसे रह जाएगा हमारा, सही बात, यह आदमी इतना घुमाक जोड़ता है ना, 5 साल तक गोदी मीडिया खामोश था, ये सिर्फ गोदी मीडिया खुराक देने के लिए किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसकी खबर से ध्यान हटाने के लिए, ताकि लोग भावुक और बेचैन हो जाए। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों में ललकारने का, अंकिलों से बहुत ये खुद अंकिल है ना, मुझे तो कुछ और लगता है, छोड़िए क्या बोलूं। अरे यार, चंदे की चोरी पे पर्दा, चंदे की चोरी पे पर्दा कौन दे रहा है भाई, आ गया आज, चोरी चोरी कौन किया, हाँ भेज दिया SBI ने, आ जाएगा 15 तारीख तक, देख लेना किसका क्या जाएगा, इनका होगा तो इनको करे लेना, तुम पहले ही माहौल बनाए, तुम जाके YouTube पे करो ना, सो किसने रोक लिया तुमको भाई, चंदे तो तुम्हारा भी ध्यान भटक रहा है, तुम खुद बोलो कि मेरा ध्यान भटक रहा है इस पे। वही वाले है ना, क्लाउड जहाँ होता है मन तो बहुत करता है, रोक लेते हैं, उनको लगा होगा अरे ये तो ट्रेंडिंग है, ये कल मुझे लगता है बना दिया होगा इसने वीडियो इस विषय पे। हाँ, वो ऐसे घुमा फिरा गया, इसमें किया ना, इसमें यही तो किया है कि SBI अच्छा, ओ हाँ, हेडलाइन देखो साला, वो तो हम मिस करके, रवीश कुमार ऑफिशियल, नीति से सावधान हो जाइए जी। 5 साल तक कुछ नहीं, रवि जी गणित भी उनका कमजोर है मुझे लगता है। हाँ, 2020 में हुआ था 2021-22-23-24 अभी आरंभ हुआ, तब से निकले नहीं है ना घर से, अब कहाँ पता लगता है, अच्छा, हाँ, दिन होता है ढलता है पता ही नहीं चलता, तो सब सेम है उनके लिए। अरे यार ना, देखो अगर दोबारा से जीतेंगे, अभी 400 होने वाले हैं, अब दोबारा और रहना पड़ेगा, 400 पार हो जाएगा, इनको विश्वास है 400 पार हो ही गया, बोल दिया है कई वीडियो में, तो भले ही भाजपा जीत, चंदे की चोरी ये देखो उससे उठाया है, राहुल गांधी भी सेम भाषा बोल रहा है, चंदे की चोरी। अभी जब आएगा कि कांग्रेस को भी इलेक्टोरल बॉन्ड गया, होना तो ये चाहिए ना कि रवीश कुमार जिस जिसको सपोर्ट कर उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया होगा इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, इनकैश नहीं कराया होगा, देखते हैं देखते हैं, अभी डेटा आएगा तो क्या होता है। प्रियंका चतुर्वेदी जी का तो उसके बाद RR1 क्या था, टीवी चैनल सब शिफ्टेड टू CAN, इग्नोरिंग इलेक्टोरल बॉन्ड, ए 4-year-old नैरेटिव नाउ थ्रोन इन द, ये बड़ी इनको समस्या हो रही कि अभी इस टाइम क्यों लाइव स्ट्रीम, इस पे क्या है भाई, इसमें कोई समय थोड़ी था, खोल लो ना एक चैनल, तुम भी खोल लो और ट्विटर पर लिखो, मतलब दिन में 50 ट्वीट लिखो तो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, कौन मतलब, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये जो चल रहा है कि 4 साल बाद क्यों लाए हो, 4 साल बाद क्यों लाए, तभी लाते ना, तब लाते तुम और तब भी तुम्हें रोना था, बिल्कुल, एक तो तुम्हें समय दिया कि जो तुम्हारे लीगल वाले निकाल दो उन्हें अभी भी सब। कोई तैराक वैराक बढ़िया हो तो बंगाल की खाड़ी में कुदा दो, ये थोड़ा सा रुदाल था लोगों का। अच्छा ये कौन है, सी इज नथिंग बट RSS BJP हेटरेट डिक्लेरेशन ऑफ मोदी गवर्नमेंट इस्लाम, भाई साहब इन लोग को लगता है यार, बोल दिया मैंने, इस्लामोफोबिया लिख देते कितना कूल हो जाएगा भाई, गजब, कैप्स में लिखूंगा ऐसे ऐसे नहीं, पूरा RSS BJP CA इस्लामोफोबिया, ये कैप्स सारा कैप्स में है, ये होता है भाई साहब कीबोर्ड स्टफिंग, सही जा रहे हो। ये रैंट्स एंड रोस्ट, साइडुज्म, अच्छा सोडोमी नहीं क्या है ये, साइडुज्म, Sang knows it played its trump card too soon on 22nd January. Nobody remembers anything about it because, भाई साहब अब CA चाहिए, क्या बात है, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, संजय हेगड़े ने इसको रिपोस्ट किया है, ऐसे लोग मुझे अच्छे लगते हैं जो इतना कनेक्शन ढूंढते हैं
कि राम मंदिर को सब लोग भूल गए। मतलब अभी साला इलेक्शन कैंपेन चालू भी नहीं हुआ है, रैली उस तरह से आरंभ भी नहीं, इनको लगता है 22 जनवरी को लोग भूल गए। परसों काशी में त्रिशूल उठाया है उस आदमी ने, बताओ। त्रिशूल उठाया, मुझे लग रहा नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर जितना फूल की माला वाला पहनी हुई थी उसे बहुत लोग को चिंता होगी, बताओ ये प्रधानमंत्री हमारा इस टाइप से लिख। अभी देखो तो वो, फिर मुझे वही वरुण ग्रोवर वाला स्टेटमेंट याद आता है, वो आदमी बबूत रगड़ के खड़ा है बे, तो तुम्हें लग रहा है 22 जनवरी भूल के और सीए से उसको वोट आएगा? नहीं, ये जो है ना, जो आप कह रहे हो ना, जो ऐसा स्पेकुलेशन इधर का उधर, इनके चलता होगा वो एक दो, इनके ना बैक में वो बजता रहता है शेरलॉक वाला वो, हाँ, और इनको लगता है इनका वो जॉन वॉटसन कोई बगल से, गेम इज अफूट, घूम के वापस यहीं बैठ जाते हैं। सागरिका जी का तो हमने विचार नहीं, दूसरा सागरिका जी का हमने नहीं देखा, पहला ही देखा ना। हाँ, ये आए देखो, चार साल पेंडिंग रख के जनरल इलेक्शन की संध्या को सब कर देना, जो लास्ट रिलीजियस पोलराइजेशन हो रहा है, लॉ दैट रिकॉग्नाइजेस, भाई साहब होप मोदी सरकार नोज दैट बीजेपी रूल असम है स्ट्रांगली अपोज सी है, सेट टू बी प्लंज इन टू टर्मोइल, कोई प्लंज उलंज नहीं होगा। इमानता विश्वा ने तो मतलब बोल दिया, 16 अपोजिशन पार्टियां थी, उन्होंने हड़ताल की घोषणा की, इमानता ने कहा कोई हड़ताल नहीं करेगा, सब पे केस चलाया जाएगा। तो इमानता ने तो, और ये लोग हस्बैंड वाइफ में बातचीत नहीं होती, मुझे यही समझ नहीं आता लोगों का। तो हस्बैंड ने इमानता को कर लो किया, इंटरव्यू किया है, उसमें इमानता ने बोला कि आपने सुना नहीं कि उन्होंने क्या बोला है, उसको बोला कि बंगाली हिंदू का वोट के लिए आप जो है सीए की बात बंगाल में नहीं कर रहे हैं। बोला नहीं आप समझे नहीं, पहले सीए लागू होगा उसके बाद एनआरसी आएगा तब होगा, इसलिए वोट की तो कोई बात है ही नहीं। तो नहीं, हाँ ये थोड़ी इनका कम्युनिकेशन है, अब पता नहीं, हो सकता है राजनीति से ना करती हूँ बात, अब भैया राज्यसभा में पहुंच गए तुमसे बात कर ये भी हो सकता है, कहां तुम डांट खाते हो, क्वेश्चन ले लीजिए, हाँ प्रश्न थोड़े से ले लेते हैं, ये वाला हो गया, नहीं नहीं यहाँ पे है ये वाला, ये शायद नहीं, राम मंदिर के जख्म, ये वाला कुल कितने हिंदू नागरिक, हाँ इसके नीचे, ये तुम्हारे लिए है, हेयर कट नाम की मेहनत नहीं आ रहे धन पाकिस, ये वाला डंडा। रमजान के पवित्र महीने के पहले दिन सीए का लाना ऐसा कौन करता है, गजब बेइज्जती है, सही बात नहीं, लेकिन मोदी जी ने आज ट्वीट भी किया है रमजान के पाक अवसर पे। अच्छा अच्छा, हाँ वो कुछ नहीं है, हाँ हर बार देते हैं शुभकामनाएं देने भी चाहिए, नबी के जन्मदिन पर देते हैं, और इस सब पे नबी के विवाह, उन्होंने मना किया था, ये लोग पढ़े नहीं है, मोदी जी ने सही से मौलाना मोदी हो नहीं पाया, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं है, अल्ट्रा ट्रेड तो कह देते हैं, कहते हैं मौलाना हो चुके हैं वो, पर नबी ने मना किया था उनका जन्म दिवस मनाने से। अच्छा अच्छा, क्योंकि उनकी जन्म और मृत्यु दोनों एक ही दिन हुई थी है, हाँ ऐसा ऐसा, इसीलिए ऐसा बताया जाता है, तो इसलिए उन्होंने मना के, पर मनाते वाले मनाते हैं, वो कुछ नहीं है, वो वैसी का सुबह व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है। आप देखिएगा, आप मोदी जी का कभी भी देखिएगा ईद पे शबे बारात पे और सब पे ना, वो ऐसा लगता है कि कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था। सगरक का रिप्लेसमेंट ऑफ महुआ मोहित्रा स्पीक, नहीं नहीं महुआ जी स्वयं भी लड़ रही है चुनाव, हाँ उसको मिल गया टिकट, अब ये बात अलग है कि वो जीतेंगी कि हारेंगी, लेकिन है नहीं, लेकिन हाँ ये अच्छा, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर वो जीत गई तो क्या वापस आ सकती है अब संसद? नहीं 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 नहीं, उसको जीतने से पहले उसका ये अगर प्रूव हो जाएगा जो वो कर रही थी, जो कि हो ही जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी वाला जो लॉ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी ही नकार दिया कि आप मतलब डकैती करके और संसद में कुछ बोल के ये आप इम्यूनिटी नहीं ले सकते हैं कि आपने घूस लिया है, तो उसने तो एक्चुअल में घूस ही लिया है। अगर वो प्रूव हो जाता है तो 6 साल के लिए शी इज डन। अच्छा, वो अगर जीत भी जाती है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वैकेंट हो जाएगी, उसकी सदस्यता वैसे भी जानी तय है, तो मतलब ऑप्टिमिस्टिक है अभी टीएमसी वाले, इसलिए मिल गया है अभी टिकट रमजान के पुत्र। अच्छा हाँ, 6% का, 6% नहीं यार, अब तो यार भटके हुए युवा आ रहा है, वो देखो कितना बढ़िया चल रहा है, कहाँ अटके हुए तुम लोग प्रतीक, हाँ हाँ रेडियो और बुक बगर पुरान, इट वॉज ऑसम, काइंडली सपोर्ट इंडियन एक्स मुस्लिम्स ऑल्सो, इट सीम्स टू बी हरिकेन विथ ग्रेट, तो है ही पोटेंशियल है, बहुत सारे लोग
सपोर्ट करते हैं, आप देखिए हमारे संजय दीक्षित जी करते हैं सपोर्ट, संजय दीक्षित जी करते हैं ना एक्स मुस्लिम, हाँ उनका एक पॉडकास्ट तो था उनके साथ, और संजय जी के नाम मेरा एक संदेश भी है स्क्रीन पर लगाओ जरा संजय जी मतलब ये क्या कर रहे हो आप, हमारा आपने बुक शेल्फ भी जो है हम एक साथ दिखाएंगे पहले, आज पहले हमारा देखिए भाई कलर कलर चेंज, कलर मैं चेंज करता हूँ, मैं कलर चेंज करके पर्पल करता हूँ। संजय जी आइडिया उठाते हैं पैसे नहीं देते हैं, मैं संजय जी को बोलूंगा कि भैया पैसे भेजो, सब्सक्राइबर भी उनके ज्यादा हैं तो उनको हमें देने चाहिए और क्या। हाँ एक मिनट पर्पल, हाँ रेफरेंस आप ले लिए, थोड़ा सा डार्क नहीं हमारा लाइट है ना लगा हुआ, तो उधर मेरा आपके, वाला आपके पीछे पर्पल हो गया है, अब मैं पुलकित वाला भी पर्पल करता हूँ, ये देखो उसका भी पर्पल हो गया भाई साहब, हमारा दिख नहीं रहा है बुक शेल्फ, तो हम दिखा सकते हैं, अच्छा लोग तो जो देखते हैं उनको पता है, तो संजय जी पैसा भेजिए हम लोग को, ये सब मत कीजिए, हमारा मतलब आप बुक शेल्फ भी उठा लिए और आपने लैंप भी उठा लिया है, हम ही ने डिलीवर करवाया है जो लोग नहीं जानते अच्छा चलो 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 कोई बात नहीं, आगे बढ़ते मिनी अरोड़ा धन्यवाद, आरफान गैन्फ, गैन्फ कौन है भाई, का ड्रामेटिक्स मदर इंडिया के नरगिस जैसा है, फितरत और मानसिकता ताड़का का, हाँ एकदम सही है कल लेफ्ट इकोसिस्टम देखा सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोलने के बाद विद इन टू आवर्स सत्य हिंदी आकाश बनर्जी लंस सबने बवाल कर, उनके बवाल का हुआ क्या मेन तो ये है कि बवाल कर तो दिया लेकिन उससे फर्क किसको पड़ गया, मोदी हार जाएगा मुझे लग रहा है, ये वही है माहौल बनाने में लगे पड़े, अभी आएगा रिजल्ट उसमें सबका वही आ जाएगा, हाँ भाई सबने लिया है लो अब कर लो खेल लो किसको खेलना है जितना। People say development and education can reform the Muslim, but in country like Saudi, MBS has to make extreme radical changes to reform the rich and developed countries. That's how. Obviously, यार अब देखो अब education से अगर reform हो जाता तो साइमा और आरफा उसामा बिल्लादे अबू बकर अल बगदादी वो PhD था वो इस्लाम में भाई साहब, नहीं वो कोर जब तक उनका कोर नहीं हिलाओगे ना अपनी जगह से, मौलवी जी के पास भेजना बंद जब तक नहीं करोगे बच्चों को तब तक जो है मुझे नहीं लगता है कि थैंक यू हरिपाल जी। खट्टर जी को चुनाव के इतने नजदीक हटाना कौन सा मास्टर, अब यार खट्टर जी पता नहीं कुछ नहीं वो थोड़ा जाटों को लेकर चल रहा था ना के साथ इनका वो हुआ है शायद सीटों पे वो नहीं हो पाया लोकसभा की तो उस चक्कर में हटाया है, और मतलब हाँ हो सकता है हरियाणा में अब वैसे भी हरियाणा जीत जाते एक आध सीट का फर्क आ जाता वो भी शायद अब कवर हो जाएगा क्योंकि अब नहीं जाट वोट भी तीन तरह से डिवाइड हो वो बट जाएगा अब अगर इसी कारण से, तो अगर हम मास्टर स्ट्रोक वाले लॉजिक पे चले तो मैं मास्टर स्ट्रोक ये सब नहीं मानता, मतलब खट्टर जी का मतलब उन्होंने काम बहुत किया है ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन जो नू में हुआ उसके कारण जो है उनकी छवि बहुत अच्छी उनका वही है कि हाँ मतलब डेवलपमेंट को लेकर वो आदमी सही चलता है, लेकिन हाँ ऐसे वाले में लोग अगर वो करते हैं कि आप प्रखर हिंदुत्व वाले उस पे आओ तो वो छवि वो अपनी नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई ड्रामा नहीं कुछ नहीं, रिजाइन दिया नया चीफ मिनिस्टर बन गया कुछ नहीं, आप देखिए किसी को मौका नहीं मिला, कद्दावर नेता सब चाहे वसुंधरा हो शिवराज सिंह हो अब ये हो गए सब ने, रमन सिंह जो है नहीं रमन हाँ रमन सिंह ही तो थे छत्तीसगढ़ में, सब ने जो एस्टेब्लिश लीडर्स थे उनको कैसे एक बार बोला जाता है वो राज जो है खाली कर देते हैं, और कोई ये नहीं कि अब मैं जो भाजपा में जाकर मिल जाऊँ कांग्रेस वाले कई ऐसे होते हैं वो फिर देखे ना वही चीज आ जाती है फिर जो कर दोगे लोग संघ का है संघ वो आता है ना वो चीज डीएनए में है, हाँ ये जिसको क्या कहेंगे कि थाली का बैंगन टाइप ही हरकतें करता कौन है, सतपाल मलिक जैसे लोग, जो वही है ना आप इनको भी सीखना चाहिए थोड़ा सा कि आप किन्हें ले रहे होते हैं, लेने से पहले सोचो दो बार। सतपाल भाई का तो मुझे लगता है बांध वांध में कहीं वो अगर टूट टूट जाए सतपाल भाई को आप मतलब हम नहीं है देखिए उनकी यूटिलिटी तो यही है बांध बांध कहीं टूट जाए वो सड़क में बहुत बड़ा गड्ढा उड्ढा हो गया तो वो राष्ट्र सेवा जो है वो कर सकते हैं, नहीं ये मैं चाहूंगा मई के बाद भी दिखते रहें सतपाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनका होना जरूरी है मई के बाद दिखे वो बड़ी बात है। ये तो हो गया खट्टर जी, वेस्ट बंगाल इज डिटेंशन सेंटर सिंस
1971 लिब्रांडो शब्द में आलू किस बात का प्रतीक है, ये तो आप विक्की जी बता सकते हैं। आप फिर से 179 रुपया देके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है। आर्या जी धन्यवाद। अन्य अन्य सीए अभी लागू करने का कारण क्या हो सकता है? पॉलिटिकल रीजन है भाई, राजनीति और कोई कारण नहीं है। ये 2020 में भी लागू हो सकता था, बोला गया कि नहीं कोविड चल रहा है, कोविड 2022 में चला गया, अब 2024 है। रीजन पॉलिटिकल ही है, इससे हमारे आपके जीवन पे सीए से ठेला भर का भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे यूसीसी से हिंदुओं को कुछ नहीं मिलने वाला, उनका जाएगा ही, लेकिन हम खुश हैं कि अरे मोदी जी ने कर दिखाया। मोदी जी ने क्या क्या क्या, ध्रुव राठी ने जो बोला उसका 100% स्ट्राइक रेट वाला है ना अपने पास वीडियो, शायद उसका मैंने वीडियो नहीं लिया था क्या? नहीं, वो शायद मैंने लिया नहीं था ध्रुव राठी वाला। अरे एक फोटो था ना उसने जो जो बोला था वो सारा नहीं, हाँ वो वीडियो ही था, वो किसी ने वो बना रखा था। अच्छा, वो अच्छा, शायद मैं ले नहीं पाया। अच्छा कोई नहीं, हाँ मतलब कुल मिला के वो जितना भी हो तो लोगों ने देखा है कि एक वीडियो में उसमें बोल रहा है कि 370 हटा देंगे ऐसा बोल। ये तो मुझे लगता है ये है सब भाजपा एजेंट, ये जर्मनी में जो भाजपा को लोग नाजी बोलते है ना, ये वही है, देखो जर्मनी में भी बैठा है ये। तो हो गया अलग लेवल पे, डबल ब्लफ खेल रहे। नहीं शैला जी का याद होगा आपको, 370 हटा के दिखाए शैला जी का नाम, के पापा शैला जी का नाम मत लीजिए, मतलब बहुत सारे लोगों का दिल जल जाता है। माय फेवरेट जर्नलिस्ट महबूब अजीत, ये वो मनोज झाला वाला भाई, बहुत बढ़िया खेल गया रोहन भाई, तालियां बजती रहनी चाहिए मेरी तरफ से। बंगाल अलाउड मोर बांग्लादेशीज ऑलरेडी विदाउट एनी लॉ। अच्छा हाँ, प्रियंक भारद्वाज, हाँ है, फ्लश आउट होंगे, फ्लश आउट होंगे, चल रहा है। लव यू भाई जय श्री राम, ये देखिए ये मॉडर्निटी और अध्यात्म का जो बहुत बढ़िया, लव यू भी बोल रहा है और जय श्री राम भी, ये होता है भाई, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है। भारतीय माइनॉरिटी भटक चुका है इसलिए सीए लाया गया, आने वाले बताएंगे माइनॉरिटी की क्या हालत है। सही बात है, सही है, उन पे डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए जिन जिन को वो नागरिकता मिलेगी। हरीश जी धन्यवाद। भाइयों को जय श्री राम। कल खड़गे जी बहुत क्रोधित है, तुमने देखा क्या खड़गे जी वाला? मैं ध्यान नहीं दे पाया सीए पर, उनकी शक्ल देखकर फिल्म पुराना मंदिर के आप तो निजी के भी जी हो रहे खड़गे जी, तो खड़गे जी नॉर्मल दिखते कर वो तो डांटते आटते ही रहते हैं। खड़गे जी मुझे लगता है कि मिस्टर वर्ल्ड में अब वो होंगे, उनका चुनाव किया जाएगा, जीत भी जाएंगे वो। हाँ वोटिंग अगर करवा लो तो भाई सोशल मीडिया वोटिंग करवा लो, खड़गे जी सबसे हैंडसम आदमी है, उनको भूत प्रेत करना मुझे लगता है थोड़े जाती हुए। एक और थे वो जेल चले गए, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सबसे हैंडसम तो खैर वो थे। है क्या एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक रोस्ट बनाया जाए डिस्कशन बिटवीन कचरा कुमार भाई जीतपाय मीठा यादव भाई पूरा। अरे ना 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 मीठा यादव ये सब मजे लेने के लिए लोग हैं। हाँ ना कागज ना वोट, 400 पर भाई आज पोखरण के सीन से ढाई मोर्चा नन हूर वाले, नहीं ये समझ में नहीं। पोखरण में आज वो हुआ है ना, उन्होंने एक टेस्टिंग एक चल रहा था, कौन दिव्यास्त्र वाला? हाँ अग्नि फाइव। हाँ हाँ अग्नि फाइव, अच्छा अच्छा, उससे संबंधित शायद कुछ। अच्छा कम लाइव विद संजय, अरे संजय जी बहुत बड़े आदमी है, जय हम लोग बहुत छोटे आदमी यार, ऐसे मत बोलो प्लीज, क्रिएट इन इंग्लिश, तुम लोगों का सही है भाई है। है मतलब कुछ लगता है बोलने में कि इंग्लिश चैनल बना लो? नहीं मैं तो सपोर्ट करूंगा इस चीज में, रवीश जी का एक भोजपुरी चैनल है आपको पता है? मैं भी एक मैथिली और ठेठी चैनल जो है खोल लेता हूँ, उस पे भाई बहुत उसमें टाइम लगता है यार, अब तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तुम लोग क्या चाह रहे हो? अब वैसे मतलब मजाक अपनी तरफ है, अब आ रहा है, YouTube खुद ही इंटीग्रेट कर देगा, AI फीचर्स हैं जिसमें आप
मतलब रियल टाइम आप सुन पाएंगे। मैं यहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ, आप अंग्रेजी तेलुगु तमिल जो हाँ, कई लोगों का किया भी कुछ लोग क्या बीटा टेस्टिंग चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ये जल्द ही नहीं मतलब, लेकिन एक चीज और है उसमें, हमें थोड़ी समस्या हो जाएगी। क्या कई सारे शब्द अंग्रेजी हाँ, में तो नहीं कर पाए होने चाहिए, नहीं होने नहीं चाहिए जिस तरीके आप सोचिए ना अभी बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। राहुल जी, आई एम लिविंग इन कैलिफोर्निया एंड दिस चैनल गिव्स मी अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आल्सो बाय, थैंक यू। तुम बोलो भाई, इस पे तुम्हारी बड़ाई मुझे लगता है ज्यादा हो रही है यहाँ पे। नहीं नहीं पहले आप मुझे गालियां कम पड़ने लगी है, मैं उसी के लिए खुश हूं। सही बात है कि अब तुम्हें नहीं बोलता है इसको हटाओ यहाँ से, बताओ तो ये अच्छा एक गरीब के पेट पे लात मारना चाहते हैं पहले रवि जी गरीब के पेट पे लात मारी अडानी ने, मैं भी बनाऊंगा फिर अब। एक था टाइगर वाले बोला ना सलमान भाई का ट्वीट इस बार नहीं है मास्टर स्ट्रोक का, नहीं इस बार बहुत लोगों के सच में ट्वीट वगैरह नहीं आए हैं, मतलब कल रात से तो बाढ़ लग जाती, हर रोज नया जक मिल रहा है ना, तो इस कारण से बहुत लोग अभी मतलब सोच रहे होंगे ना अब हो गया भाई, अब इस पे करने को मतलब गाली सुनना है तो ये भी है। What's wrong with India? Twitter पर जबरदस्त ये जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के देखे, ये क्या प्लान ट्रेंड चल रहा है क्या? नहीं 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 ये प्लान्ड नहीं होती मुझे लगता है सब चीजें, ये होता है ये लोग ना वही करते हैं जो इनके बाप दादाओं ने किया था गोरों ने, ये प्रोवोक करते हैं इंडियंस को, है देखो तुम्हारा खाना गंदा है, तुम्हारा ये बुरा है, तुम्हारा हमको पता है हमारी क्या चीजें बुरी हैं, हमने एक्सेप्ट भी कर रखी हैं, पर इनको ज्यादा इनको उंगली फिर इनका ही एक ही बार करता है हिंदुस्तान वाले कि आओ ससुर तुम 1.4 बिलियन बिलियन आओ इधर बेटा ट्रेंड करवा देते अब तुम्हें, और बेचारे अंग्रेज ही आ रहे हैं कि भाई यार छोड़ दो राजदीप के बारे में सही का कतना वाला। अच्छा वो था क्या शायद, मतलब अच्छा मुझे थोड़ा संदर्भ याद है, मैं यही कंफ्यूज कर गया था कि राजदीप का था या ए देखो तुम्हारे लिए आ गया भाई, लुकिंग डैशिंग दीवाना पान भंडार की तरफ से 40 रुपए का गुटखा दिया जाता है पुलकित भाई को, देव ट्रेवल्स भाई इनका ट्रेवल्स का व्यवसाय है, आप लोग अवश्य जो है चलो अब इति सिद्धम। अच्छा नहीं हमारे पास अभी जेम्स तो कुछ और भी हैं। सर क्या आरजे पदयात्रा करेंगे सीए के विरोध में? आरजे कौन है? आरजी कहना चाह रहे होंगे। हाँ अब कितना चलवाओगे भाई उनको? हाँ चलते चलते बेचारा थाईलैंड पहुंच जाएगा पैदल ही। अब मुझे लग रहा है थोड़ा रेस्ट लेंगे जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जाना भी चाहिए। हाँ नहीं कब तक इतना काम किया है, एक स्पीच जानते कितनी बुनाई है आपने शर्ट पहनी हर जगह पे भाई साला दिमाग खराब हो गया, मैं अपना जाके बिल देखने लगा कितना जीएसटी मैंने दिया है, फिर मैंने अडानी जी को फोन लगाया कि आपने कितना दिया है, वो भी आपका ही है क्योंकि यही तो है सब कुछ ये एक मजेदार वी विल नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट सीए आरएन आरएन मतलब राइट नाउ भाई मैंने भी ये पूछा मुझे भी नहीं पता था, बिकॉज़ आवर सेक्रेड मंथ रमजान करीम स्टार्टेड एंड वी विल नॉट गिव यू द चांस टू फुलफिल योर एजेंडा, वी विल लुक इनटू दिस आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, बी हैप्पी भाई साहब रमजान करीम ऐसे लोग। वो था ना वो एक कौन सी पिक्चर में था कि तुझे उस दिन मारूंगा जिस दिन ना रमजान हो ना ही गुड़ी पाड़वा, क्योंकि मैं दोनों ही नहीं मना ये था किसी फिल्म में कि वो उसको मारता नहीं है इसलिए क्योंकि रमजान चल रहे थे और अच्छा। तो पत्थर मार देते हैं हाँ, यात्रा पे पर वो चलेगा हाँ, किसी को ऐसे नहीं मार। अच्छा इनको रिप्लाई भी किया था शायद मोदी जी को फियर्स लग रहा है ओह माय गॉड सभी उल्लंघन बोला इलेक्शन अरे यार कांप रहे हैं देखिए मोदी जी एकदम एक और मोदी जी वाला एक और है ना एक हाँ, और, एक और जो बैठे भेजा था फोन कर रहे हैं अमित शाह को जो फोन कर रहे हैं कि भाई अमित अब तो वो करना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है इलेक्शन के पहले पीओके को भी अंदर ले लो ये वाला हर बार आ जाता है ये था जो आप कह रहे हैं पहले ये विजय जी ये बहुत महान एक्टर हैं इन्होंने बोला ऐसी ऐसी फिल्में की है ना नॉट एक्सेप्टेबल शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन तमिलनाडु नॉट एक्सेप्टेबल दैट्स व्हाट योर ऑडियंस सेज
टू द बॉक्स ऑफिस आफ्टर वाचिंग हर शीटिंग मूवीज. इसका मुंह उदय निधि स्टालिन से मिल रहा था क्या? इनका मुंह छोड़ी, अरे हाँ ये वाला यार अमित सी है वापस. ये विजय बोल रहा है उसको. वो बहुत बहुत बढ़िया. सही है. नहीं मतलब इनके मुंह पर तो एक शोध किया जा सकता है. हाँ, मुझे तो लग रहा है कि मिलता है उदय निधि स्टालिन से. अब तमिलनाडु का ही है ना ये. हाँ, आप बहुत सारे देखिए प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं. नहीं मैं ऐसे इन जनरल बोल रहा हूँ. शक्ल मिलती है अब. हाँ, कुछ हो तो बात अलग है. बट हाँ, इनको अनएक्सेप्टेबल. मोदी जी पढ़ते होंगे तो हंसते हो साल. ये सब क्या है? इनका जो टीम होगा ना रिलैक्स करने के लिए. मोदी जी आप खुद सोशल मीडिया प्राइम मिनिस्टर यूज करते होते क्या? मित्रों निकालो, क्या चल रहा है, दिखाओ 10-20 मीम दिखाओ भाई. वो माथा पकड़ सही हंसते होंगे. अरे आर्टिकल 370 देखा तुमने? नहीं. अरे यार उसमें एक जगह पे अमित शाह और मोदी बैठे हुए हैं. उसमें आगे बकलोली चल रही है. जो आईबी वाले नहीं थे जो पैसा लेते जाते हैं क्राइसिस के नाम पे, वो नहीं चाह रहे थे कि हटे जब फाइनल डिसीजन लिया जा रहा था. तो कुछ कुछ लॉजिक दे रहे थे. तो अमित शाह ऐसे करके मोदी देखता है, देखो इनका सुनो बकचोदी. तो मुझे लगता है कि वही मोदी जी बैठते हुए कि माई अमित आ जाओ. आपस में देखिए ना, हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कि वो व्यक्ति प्रधानमंत्री या गृह मंत्री है. आप सोचिए 20-25 साल से आप एक बंदे के साथ हैं और जवानी से आप उसके साथ हैं, तो वाइब वाली बात हो जाती है. तो आपस में इनको कई बार लगता तो होगा स्टेज पे बैठे हैं कोई ज्यादा हो कर रहा है तो यार क्या बोलते हो कि कल ले कर अमित भाई वो देखा तुमने वो मीम चल रहा यार. ये आपके पसंदीदा एक डरपोक गवर्नमेंट एम्बरेस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड डिस्पाइस ट्राइंग टू फूल अस ऑन इट इज ट्राइंग टू चेंज हेडलाइंस भाई साहब बिगेस्ट फ्रॉड पार्टी. तो ये तो BFP हो जाएगा ना. मैं जे से कुछ लिखना चाहिए था इनको. यू कैनॉट ट्रस्ट देम वोट BJP आउट भाई साहब. जिस आदमी को उसकी पार्टी ने नहीं रखा वो जो है पूरे भारत से बोल रहा है कि भाई BJP को हटाओ. बताओ 2024 तो अपने जहाँ थे वो मालिक से कह देते हटा दें. हाँ इनको लेना. इनसे वही वो बीइंग ह्यूमर वाला रोज पूछता है भाई 10 जनपद में पोछा मार लिए सब्जी ले आए. मुझे लगता है इंडी गठबंधन के ओनली अफोर्ड वन झा. हाँ वन बकलूल झा कह रहे भाई मनोज झा कर सकते हैं. महबूब शायर मनोज झा है महबूब नेता. हाँ शादाब भाई बहुत. एक तो शादाब ऊपर से चौहान. हाँ भाई साहब कागज नहीं दिखाएंगे हम. किराएदार किरायरदार नहीं मालिक हैं अलहमदु लुल्ला लिल्ला. अच्छा लुल नहीं अच्छा वो हो गया. इंशाल्लाह विल अपोज ये कंस्ट्रक्शनली. हाँ ये हमें कंस्ट्रक्शनली क्या होता है? घर बनाया क्या कंस्ट्रक्शन करके? एंड डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं लिख रहा था. फिर वही कंस्टिट्यूशनली का. और टीवी है तो साला वो लिख दो एक ही बात है. वी ऑलरेडी फाइल ए पिल PIL पिल खा लेती तो ये समस्या नहीं होती भाई. अच्छा ऑलरेडी फाइल ए सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिस ब्लैक लॉ. इंशाल्लाह ब्लैक लॉ कह रहा है. पिल खा लेना चाहिए था मुझे लगता है. अच्छा हाँ ये नहीं भी खाया ठीक है. हमें जो है मटेरियल मिलता रहता है ऐसे लोगों का साले. बताओ मालिक नहीं मतलब इनका देखो सही में 60 राय पंचर औरंगजेब की औलादे हैं जो बर्तन मांज रही हैं और ये सब. हाँ मतलब नाम साला चौहान लगा और बोल रहा है किराएदार नहीं हम मालिक है. भाई गजब तुम किस किस कुमारी में हो भाई. किराएदार किराए पे मकान नहीं जिनको लोग देते. चौहान ही नहीं देते तुमको. देख के पहचान जाए साला. अच्छा पचा 2 रुपये में इन लोग के मतलब पूर्वज जो है कन्वर्ट है 2 रुपये में. औरंगजेब के टाइम में था 2 रुपया महिलाएं शायद 2 रुपया में पुरुष 4 रुपया में आया. उल्टा तो आधा चलता है ना क्योंकि महिला इनके हाँ, लिखा है तो महिला की 2 की गवाही एक. इसीलिए नाम भी आधा ही रखे हुए. ये 1 रुपया में लगता है कन्वर्ट हुआ होगा तो. अच्छा चौहान लेके चल रहा है. कितना ही मजेदार है. पैरेलली बेचारा इनके पास या तो कोई और टूल किट जाती है. एक जाते हमारा देश है
उधर साइमा की अरे मार विक्टिम, हाँ विक्टिम मार दी, अरे तो उसका तो देश था ना यार 800 साल हमने राज किया है, ये समझ ही नहीं पा रहे, आपस में इनकी मीटिंग करा दो या तो आपस में मिल लिया करो, जुमे की नमाज जमात के साथ होती है, मुझे वो ग्राउंड रिपोर्ट के समय बताया था एक मौलाना ने। अच्छा वो मैंने उनसे पूछा कि यार आप नॉर्मली तो पढ़ते हो जुमे की टाइम, कह रहे जुमे की नमाज उसके साथ होती साथ है, होती है। अच्छा, ये लिखा कहाँ है तो वो फिर तो नहीं बता पाया, फिर मैं निकल कागज नहीं दिखा पाया तुमको, फेल के फिर गुड़गांव सेक्टर 37 वाला ना उसमें। अच्छा ये एक अमेरिकन सिटीजन भी बोलेंगे, ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ सोशल पॉइजनिंग बाय गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट। अच्छा वो वरदराजन है, सुशील आरोन ओपेड फ्रॉम 20, अबे नया लिख ले कुछ, ये वही वाला है इनके दोबारा से उस पे व्यूज आने लगे। ना ना व्यूज तो घंटा नहीं आता है, ये अगले दिन क्या क्या लिखेंगे, मेरे पास सब लैपटॉप में रहता है, सही में बता रहा हूँ मेरे पास रहता है, मैं अभी बता देता हूँ, कल जिनको चेक करना होगा चेक कर लेंगे, लोग लग रहा होगा कि जी जी मजा जी आप नौकरी खा जाए बेचारे वायर वालों की, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ ना तुम्हें कल क्या क्या इनका आएगा, आ जाओ आ जाओ मित्रों, कौन सा दिन चल रहा है, अच्छा ये जनवरी था, रुक जाओ, हाँ मार्च आ गया, मार्च आ जाए माँ मित्रों, साला ये लोग मुझे निकाल ना दे हाँ स्लीपर सेल, हाँ अभी जो जो पब्लिश नहीं हुआ है वो मैं बता देता हूँ मित्रों, आज क्या तारीख है, 12 है ना, आज 11 हाँ 12 है, 13 तारीख का द वायर का मैं बता रहा हूँ आपको शेड्यूल क्या क्या होगा, बीजेपी रूल एंड थ्रेट्स टू इंडियन डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक आएगा एडिट होके, क्यूरेशन टॉप 5-6 पॉइंट, बहुत्व कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट फैक्ट चेक, फिर एकेडमिक फ्रीडम के ऊपर है एक SKM कॉल फॉर चलो दिल्ली है, फिर एक्सरे ऑफ इंडियाज कंपैशन राजेंद्रन नारायणन एक लिख रहे हैं, क्लाइमेट क्राइसिस पे एक है, SC's पतंजलि एड्स पे है, क्लाइमेट क्राइसिस पे 3 है, 10, 11 और 12 आएगा, सर्कल्स ऑफ फ्रीडम है, ये सब जो है ये आएगा, अब देख लीजिएगा, तो इनका मुझे पता था कि ये क्या करेंगे, सारा कच्चा मैं लिखता नहीं बोलता नहीं हूँ, मेरे पास सारा मैटर रहता है मित्रों, मुझे रोज रिपोर्ट आते हैं, देखा वरदराजन जी Wishing everyone a blessed Ramzan. ये बहुत मजेदार है, नील भाई ने खींचा है जानबूझ के रमजान के पहले दिन से, क्योंकि पता है रोजेदार मुख्य पे, अरे यार बहुत कड़क बात है, नहीं कड़ी निंदा आपका, हाँ निंदा तो मैं भी देखे, मैं काफी सीरियस मैं हो चुका हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ मोदी जी, क्रांतिकारी सुहासिनी, ये तो उनकी सुपुत्री है ना, अच्छा इंदौर दास सम्राट की, मोदी गवर्नमेंट ने CM ओनली इनेबल्स दोज माइनॉरिटीज फ्रॉम नेबरिंग हु एंटर्ड इंडिया बिफोर 2014 एंड टू फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी अननेसेसरी वीआ लॉ, अच्छा अच्छा एज दोज एलिजिबल कुड हैव बीन ग्रांटेड सिटीजनशिप डायरेक्टली बाय बाय भाई साहब, सही बात ईयर सब कांग्रेस दे देती फिर ऐसा था नहीं नहीं कांग्रेस नहीं, इनके बाप त्याग देते अपना लोकसभा, मतलब छोड़ दो ना भाई, निकल जाओ त्याग दे दो प्रोटेस्ट में, नहीं सांसद भी बने रखना है, सुपुत्री ये भी कर रही है, बाप मोदी को भी हाँ, कभी मतलब एक मुंह पकड़ते नहीं है नाव अपनी, चार पांच में नहीं पकड़ पाएंगे ज्यादा नावों में ऐसे नहीं रखने चाहिए, दिक्कत हो जाती। अच्छा दो जो बड़े मुख्यमंत्री हैं बेस्ट मुख्यमंत्री, अच्छा अच्छा तमिलनाडु में नहीं इम्प्लीमेंट होगा भाई, तुम्हारी इम्प्लीमेंट 12 विधानसभा में इम्प्लीमेंट होना होता है शायद, 12 या 14 ऐसे ही कुछ है, तो पूरे देश में हो जाएगा ऑलरेडी, तो भाजपा के पास उतने राज्य हैं। अच्छा इसका क्या ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी ओपन चैलेंज टू ह्यूमैनिटी, ये मैं नीचे पढ़ रहा था इस वाला कि ये कमेंट क्या था, उसमें बोल रहे हैं विजयन जी के क्योंकि तुमने इसमें भेदभाव किया हिंदू मुसलमान में, तो ये मानवता के अगेंस्ट है। अच्छा अच्छा बाकी वहाँ लोग जो बम फोड़ते हैं तो मानवता के नहीं, तो विजयन जी की पार्टी जो करती है दूसरे लोगों के साथ वो है कि नहीं, वो जो अपने RSS वालों को मारती है, नमक की बोरी के साथ जो दफनाते हैं वो सब है कि नहीं। बाय द वे नमक की बोरी से याद आया,
मैं आज बस्तर का प्रीमियर देख के आया, मैं उन पहले लोगों में से हूँ जिन्होंने थिएटर में देखा है पूरे भारत में ये फिल्म, तो बस्तर जाकर के अवश्य देखिएगा और प्री बुकिंग कर लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया फिल्म है। कल या परसों मैं इसका मतलब पूरी समीक्षा लेकर के आऊँगा। तो हाँ, सीएम जो है वो कर रहे हैं ह्यूमैनिटी की बात साले, मतलब वामपंथियों के मुंह से ह्यूमैनिटी की बात जो है अच्छी नहीं लगती। वहाँ जो एक चाइना में नाजायज पापा है वो जो ह्यूमैनिटी, हाँ, वो ह्यूमैनिटी है यूगर के साथ जो चला, वो तो हो ही नहीं रहा होता, वो तो सीधा बोल देते हैं कि उसके बाद विजय जी का हमने वो तो देख ही लिया, ये किए हैं वारिस पठान, ये कागज दिखा रहे हैं क्या? अच्छा ट्वीट था, कागज नहीं दिखाएंगे, दिखा रहे हैं कागज। ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी ये थोड़ी अरे हाँ, अरे यार ये वीडियो इसके हम वीडियो नहीं चला पाए क्योंकि इसमें YouTube थोड़ा गड़बड़ कर देता है। अच्छा, वो अजीब तरीके की थी। बाकी लोगों ने देखा होगा ये वाला सीन ज्यादातर। ये जाके देख लीजिएगा, इसमें लेफ्टिस्ट के स्थान विशेष से जो है वो धारा बह रही है, तो लाल और उसी के ऊपर है तो पीले और काले रंग। हाँ, ये मोस्ट पावरफुल डुओ दैट हॉन्ट। 370 हटी तो कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, हटा दिया राम मंदिर कभी नहीं बन, सीए लागू ने। हाँ सही है। अरे सीए इम्प्लीमेंट कर दिया, हिम्मत है कर ले मोटा भाई। भाई बीजेपी आईटी सेल वालों डीमोनेटाइज मत कराना थे कोई, इट्स जस्ट अ राम ब्रो रामी रेड्डी। अब यार कभी रामी रेड्डी के आंख से मतलब गुंडाई जो है टपकता था इसमें पीछे जो म्यूजिक है यो वाला बजाना। मैं तो कहता हूँ मतलब अमित शाह जी के अगर एचएमओ वाले वो करें कि जब भी अमित शाह जी भाषण देने खड़े हो ना, अब नया संसद बनवाया तो स्पीकर इंटीग्रेट करा दो पीछे सब। ये लोग घूमते बहुत रहते हैं वो बोट वाले के साथ, अमन अमन गुप्ता के, उससे बोलो भाई करा दे, जैसे जब भी अमित शाह जी उठे एक ये बच जाएगा तो माहौल एकदम। बाकी कुछ वीडियो हमें कि तुमने यार वो नहीं चलाया, एक मिनट, हमारा लोअर थर्ड नहीं चल रहा है। ओ, हो, ये तो लोग डोनेट करना चाहें कहाँ करेंगे डोनेट? हाँ, मैं अपील भी बीच में कर देता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, चुनाव उनाव का टाइम आ गया है और हम लोगों को सशक्त बनाइए ताकि हम जो अपनी क्वालिटी भी बढ़ा सकें, प्रोडक्शन क्वालिटी भी, और आप लोगों की मतलब लगातार ज्ञानवर्धन और रोस्टिंग ये सब जो है वो चलता रहे। हाँ अब चलाओ असम, असम प्रोटेस्ट है, तो बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट है। भाई साहब ये असम में वामपंथी कर रहे थे, बीच में छुपाना पड़ा, उसमें आग लगा हुआ था पूरे, देखा कितनी भीड़ थी, हजारों की जन सैलाब था, 10 लोगों का, मतलब 7-8 लोग थे उसमें। माइकल जैक्सन अगर आज होते बेचारा बता 10 लोग मिल करके साले नहीं, मतलब माइकल जैक्सन, आयरन मेडन वगैरह, उनका कहा जाता ना वाला एक फोटो चलता है बहुत की माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट, और वो अगर होते आज तो थोड़ा सा लज्जित हो जाते। मैं बता इसमें Go back. वामपंथियों का ठीक है इसे। हाँ अरे दिग्विजय जी की स्टेट में हमने क्या, चल नहीं रहा, दो थ्रेड चल नहीं रहा, तीन मिनट लेता है। बढ़िया है इनका, ये है अपने रागा को पूरा कंपटीशन देते हैं, ये स्टार प्रचारक वाला जो है ये वैसे करते रहे भाजपा को, ये तो करते रहते हैं ना लोग पुश, ओवैसी जी करेंगे। अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं बीरोल का साउंड मिसिंग था, ऐसे कैसे? कमेंट में चेक करो। नो वॉइस, अरे यार हमारी या उसकी? नहीं नहीं उसकी उसकी अच्छा वीडियो की,
वीडियो चलाई उसकी वॉइस मिसिंग थी। वो एक बार दोबारा चला देते हैं। एक मिनट अच्छा चलिए जो भी है आवाज दिग्विजय क्या बोल गए। अच्छा चलिए छोड़िए वीडियो साला नहीं भी रहे कोई बात नहीं, ये कुछ टेक्निकल इशू है। दिग्विजय जी का हम बता देते हैं। हाँ उन्होंने क्या वही कहा है जो हर बार वो करते हैं ना, वो पंप मारने वाला ये करके दिखाओ। अभी एक तो बोल रहे थे कि पहले क्यों नहीं थी नागरिकता, तो अभी देखिएगा कुछ दिनों में मुझे लग रहा है पिछले अगले आने वाले दिनों में मास लेवल पे जितने भी शरणार्थी हैं उनको वो दिया जाएगा। और अरे एक मिनट ये बोल रहा है अभी भी ऑडियो मिसिंग है। अच्छा हमारी भी ऑडियो मिसिंग है यार। नहीं नहीं आनी चाहिए हमारी तो आ रही होगी भाई। हाँ नहीं हमारी तो आ रही है ये। हाँ तब पिछला वाला होगा। अच्छा दिग्गी के साउंड में दिग्गी दिग्गी सुनने लायक है भी नहीं। हम बता रहे उनकी उनके चुनाव के समय कमलनाथ ने नहीं सुनी, राहुल गांधी ने नहीं सुनी, हमें तो मजबूरन सुनना पड़ता। तो मतलब वो बोल रहे थे इसमें कि ये पहले क्यों नहीं दिया, आप दे के दिखाओ। तो मुझे लगता है उसका वही वाला आएगा। इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि उनको भी हाई उस पे 500 लोगों को जब एक साथ नागरिकता दी जाएगी पुष्प माला पहना रहे होंगे तो वो दिग्विजय जी को व्हाट्सएप करेंगे भाजपा वाले। बिल्कुल वैसे भी स्पीड डायल में रहते हैं दिग्विजय जी भाजपा वालों के। इधर अपने पास तो कुछ बचा नहीं है। हाँ ये तो लगभग जेम्स हमने कवर कर लिए हैं। अच्छा अच्छा अब कुछ हाँ हमारी आ रही है साउंड। ठीक है ठीक है। ओके कुमार विक्की थैंक यू। जो हिंदू अब आ रहे हैं उनका क्या यार, सबका है प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रोसेस नहीं है नॉर्मल। और ये लोग जो खेल रहे हैं ना कि मुसलमानों के लिए भी है। अब ये है कि जो पर्सिक्यूटेड लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो जिनको सताया जा रहा है उनके लिए, और जो 2014 से पहले उनके लिए फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, जो अटका हुआ है 10 वर्षों से उनकी नागरिकता के एप्लीकेशन। बाकी चाहे मुसलमान हो, कुछ भी हो, क्रिश्चियंस हो, कुछ भी हो, वो सब भी भारत में सिटीजनशिप के अलग प्रोसेस हैं। तो अब जैसे मेरी पत्नी मान लीजिए फॉरेनर है, तो उनको भी 6 साल उनको नॉर्मल होना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा यहाँ पे, उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। धर्म की जय हो, अधर्म का जितना जल्दी हो सके नाश हो। हाँ ये तो होना ही चाहिए, अधर्म का भी और मैं तो विधर्मियों का भी चला जाऊँ। हर रोज़ जख्म वाली आंटी के पेपर भी चेक होंगे, सब कुछ चेक होंगे, सब कुछ, जहाँ जहाँ झंडा गाड़ा गया है, ये सब जो दुखद बातें होती है। स्वरा के तो खो गए थे बोल रही थी वो। हाँ तो स्वरा का मुसलमान है। अच्छा अब तो नहीं, अब हो गई है ना। अच्छा वो अब वो क्यूरियस केस ऑफ स्वरा भास्कर हो गई। नहीं नहीं उनके लिए एक स्पेशल स्टार मार के प्रोविजन बने। अच्छा अच्छा पाद यात्रा खड़गे जी वाला। अच्छा अच्छा समझ गया भाई, समझ गया। मस्ट बी हार्ड टू बी ए स्यूडो लिबरल दीज डेज। पहले अंबानी बेइज्जती करता था, बाद में गवर्नमेंट। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग। थैंक यू लोकेश जी, धन्यवाद भाई। इफ नाउ इट इज नेशनल सेंटिमेंट देन इन रमजान, रमजान शुड स्टार्ट ऑफ हिज फ्रॉम इंडिया। हाँ ये भी एक बढ़िया अच्छा प्रस्ताव। लोग जो है किताबें पढ़ रहे हैं, आसमानी किताबें, बाकी किताबें। मैं तो हमेशा से कहता हूँ जरूरी है। इंडिया इज बाय डिफॉल्ट होम फॉर हिंदूज अक्रॉस द वर्ल्ड एज। हाँ बिल्कुल, ये तो सीए में ही ये मुझे लगता है इम्प्लीमेंट होना चाहिए था कि विश्व का हिंदू जो भी है उसके लिए भारत में सिटीजनशिप, मतलब सिर्फ पड़ोसी देश नहीं। और एक लाइन खाली ऐड कर देते ना कि हिंदू और उससे संबद्ध पंथों के लिए भारत सदैव ही एक नेचुरल होम रहेगा कि आप आइए आपके लिए फास्ट ट्रैक। नहीं मुझे तो एक चीज लगती है कि जो हम पंथ यहाँ पे करते हैं ना, हाँ, ये बुद्धिज्म को और इसको बनाने का, अलग करने का, कई जैनों को ही लोग प्रयास कर लेते हैं
विष्णु शंकर जैन जी की एक वीडियो निकाल लाए थे कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स लोग की, देखो ये आदमी जैनों को जो से तोड़ रहा है। अब उसमें उन्हें जवाब मिल जाता नीचे, भाई वो आदमी जो कर रहा है तुम जैसे सात जन्म में ना करे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर ही होते हैं ना, वहां पे बौद्ध हो जैन हो सिख हो, कनेडा को छोड़ के वो अपने आप को हिंदू ही गिनता है। कनेडा में भी एक धड़ा है उनके अंदर जिनके बाल है, बाकी सबको छोड़ के वहां पे आदमी हिंदू ही गिनता। वो होता ना कि बाहर जाके इंडियन ही हो जाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान वाले भी कई बार है कि ब्राउन देख के अगर कूटा जा रहा होता है तो पाकिस्तानी भी साला अपने आप को यार इंडियन। रेस्टोरेंट्स का भाड़ा चलता है मैंने सुना है यूरोप में, पाकिस्तान तुम लिखोगे तो कोई नहीं आएगा, इंडियन इंडियन रेस्टोरेंट लिखते हैं हर जगह इंडियन, और पता चलेगा कि वो पाकिस्तानी जो है ऑन कर रहा है उसको। जब राजनाथ जी कड़ी निंदा करते हैं तो क्या MCVC स्कोडा बोलते हैं? ये मैं राजनाथ जी का इंटरव्यू करूंगा तो उनसे मैं अवश्य पूछूंगा। अरे यार यार स्लाइडर कहाँ है इसका? एक सेकंड यहाँ से करता हूँ मैं। अरे बहुत है, बहुत बहुत सारे 2000 लोगों ने कमेंट कर रखे हैं। हाँ दोनों लोग का लुक आज बहुत जबरदस्त, अरे जबरदस्ती लग रहा है कि जबरदस्त लग रहा है, ऐसे मत ये बेइज्जती कर रहा है ये कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये आदमी हरीश वर्मा मोदी जी की फैमिली, ऐसे मत करो यार। न्यू CM ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी, बहुत बढ़िया किया एक कम्युनिटी के मोनोपोली को खत्म करने में, मजा आ गया, ग्रेट भाई साहब। नहीं ये तो पहले ही कर दिया था, लग रहा था कि हाँ मनोहर खट्टर ने ये जो प्रथा तोड़ी थी कि मतलब ऐसा नहीं है ना भाई कि जाटों का रिप्रेजेंटेशन जाट ही करेगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ शुड असमीज बी स्केयर्ड, का है भाई ऐसा कुछ नहीं, असम के लोगों ने हाँ जो घुसपैठिए हैं उनको तो, और असम में तो एनआरसी का प्रोसेस लंबे समय से होना है वो, हाँ जबरदस्ती एनआरसी का प्रोसेस लंबे समय से चल रहा है, आप कागज दिखाओ एस्टेब्लिश करो कि आप वहां के, वो बात खत्म। मेरे ख्याल से हिमांता का एक और आया स्टेटमेंट कि उसका एनआरसी का वो भरे बिना अगर कोई CA पे वो अप्लाई करेगा तो मैं रिजाइन दूंगा उनको, कुछ ऐसा स्टेटमेंट में भी पढ़ रहा था, ट्वीट आया था। अच्छा भैया रिलीजन डिफाइन कैसे होगा? अभी कोई कहे मैं हिंदू हूँ तो हाँ भाई ऐसे नहीं है कि कोई आके बोल दे कि मैं हिंदू हूँ, पहले तो अगर ऐसा कोई करे तो मुझे लगता है पैंट वेंट उतार के चेक कर लेना। अमित शाह का एक फोटो है वो आपकी अदालत में हो गए थे तो मतलब नहीं, जोक्स असाइड पूरी एक टीम हो गई, ऐसा नहीं है कि आप कागज लेके गए और नहीं, पूरा इनफैक्ट पाकिस्तान से जितने लोग आ रहे हैं तो उसमें यह संभावना है कि जासूस आएंगे और ये सब, तो उनकी प्रॉपर हमारी जो कॉन्सुलेट्स हैं उधर की और जितनी संस्थाएं वो प्रॉपर वेटिंग करेगी, उसके बाद मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आके क्लेम कर दे, नहीं उसका कहाँ रहते हो भारत के लोग जो है वहाँ पे जा करके पता करके देखेंगे, उसके बाद जो है सब पता चलेगा। अच्छा वो मेडिकल चेकअप की बात इसने भी लिखी है विवेक भाई ब्रह्मदेव, मैंने एक कांग्रेसी से पूछा तो मोदी जी को हमेशा क्यों कोसते हो, बोला हम तो टाइम पास कर रहे हैं, आएगा तो मोदी है। अरे आएगा तो मोदी ही पे एक वो चल रहा था ना, अल्लाह के बंदे हंसते हाँ वो जो भी हो मोदी आएगा, कॉमेडियन है उस समय रहना कॉमेडियन है और मतलब काफी हाई लेवल कॉमेडियन है वो। अरे ये देखो छिलाई बढ़िया करते जी, नाइस आईफोन, अब आप भी CPI जज, अब है यार लाल शर्ट भी पहनी है आज तो बताइए, लाल सलाम लाल सलाम। नहीं नहीं आईफोन तो मैं 2008 से रख रहा हूँ, मुझे बाबूजी के पैसे से रख रहा हूँ, तब से रख रहा हूँ मैं आईफोन, और तो कुछ नहीं। कितना अच्छा इधर यार, एक तुरंत जो है ना स्टार्टिंग में चला जाता है, अल्लाह ये क्या हो गया ये मित्रों फुल्ड, हाँ हाँ मैं उधर बाहर क्लिक कर, अच्छा अच्छा यहाँ पे कहीं हाँ हाँ
देखिए आप अल्लाह के बंदे गा रहे थे इसीलिए हुआ है। हाँ ये ठीक है, ये तो हाँ अजी जी सीए से हटाने का फायदा है। ये राहुल जी मुझे लगता है कि आने वाले एक दो दिन में बताएंगे कि सीए में से अडानी को कैसे फायदा है, ये राहुल जी ही बता पाएंगे। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बात लिखी है मनोज भाई आपने, क्योंकि देखो यहाँ पे थोड़े फंस जाएंगे, क्योंकि वहां पे जितने भी परसिक्यूटेड हिंदू आ रहे हैं उनमें अधिकतर आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, पर उन्होंने जो शर्ट खरीदी है वो बेचारों ने ठेले से खरीदी है क्योंकि पैसे नहीं है। नहीं जोड़ेंगे जोड़ेंगे, कांग्रेस वालों को ये एक जाना चाहिए उनके पास के लगता है मजनू का टीला में आवास हटाने का मकसद था कि उन्हें पीएम आवास का घर। हाँ ये बहुत बढ़िया आपने बताया। हो सकता है जब यहाँ जो अतिक्रमण करते हैं हल्द्वानी जैसे जगहों पे और उसको जो है हमारी मतलब जुडिशरी उनको कहती है कि पीएम आवास योजना दो, तो ये तो फिर भी उनको तो मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं मतलब जोक से पार्ट, वो मिलना भी चाहिए अब तो, अगर आप सिटीजनशिप देंगे तो आप कुछ ना कुछ तो उनको एड एक एड करें या रोजगार के लिए भी आप एक पुश तो दोगे ना। अभी तक तो डेली वेजेस और इस तरीके के काम करते हैं जहां पे पैसा भी पूरा नहीं मिल पाता उन्हें। अमिशा मिश्रा, इलेक्शन कमिश्नर ने रिजाइन क्यों किया समझ नहीं आया। एक तो जो अभी तक थ्योरी फ्लोट कर रही है, जिस दिन ये सब चल रहा था उनको अचानक से कुछ मेडिकल कंडीशन हुई थी, शायद बंगाल में थे या कहीं पे थे, कोई होटल में जाना था, तो उसके बाद वो चेकअप करवाने गए और अगले दिन जो है फिर एक दो मीटिंग में उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। संभव है कि ये कम्प्लीटली पर्सनल रीजन हो, क्योंकि वो ही वॉज इन लाइन टू बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है कि वो किसी ऐसे कारण से कि उनके ऊपर प्रेशर बन रहा हो। प्रेशर क्या बनेगा, तुमको लाने के लिए जो पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक तुमको डिफेंड करने के लिए गए, तुम जिस दिन रिटायर हुए अगले दिन तुमको बनाया, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कुछ ये जो पॉलिटिक्स की बातें कही जा रही हैं। और वामपंथियों का देखिए कि जब वो आ रहा था तब भी इन लोगों ने चिंता जताई कि क्यों इसको बना दिया गया, तुरंत कैसे अप्रूव कर दिया, कल रिटायर हुआ आज बना दिया, और अब वो गया है तब भी इनको चिंता है कि बताए इसे कैसे। मोदी जी अपने दो लोगों को बिठा देंगे फिर ईवीएम है। और भाई ये थोड़ा सा बुद्धि लगाएं अगर तो नीड नहीं है इन्हें इस टाइम। अगर आप पूरा मैं मान लूं कि अरे मोदी ने हटा दिया और उसको नीड नहीं है, वो क्यों अपने आप को करेगा। ये लिख रहा है अरे लाइट नहीं गई थी सुहेश भाई, लाइट तो बहुत है हमारे यहाँ, देख रहे हो रंग भी बदलते हमारे पीछे की लाइट ले गई थी वो, उस थोड़ा सा सीन सिलेक्शन में हो गया था। 370 मूवी के बाद अब सीए पे मूवी बनेगी, मोदी जी कंटेंट की कमी नहीं होने। हाँ ये बात तो है कि मोदी जी कंटेंट की कमी नहीं होने देते हैं। नहीं है, सिनेमा को जरूरत तो है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा वो भी फिल्ट्रेशन भी रहना चाहिए। कई लोग उसमें बहती गंगा में हाथ भी धो लेते हैं, लेकिन हाँ फिर जनता है फ्लॉप भी करा देती है, वो कहे कि भाई मेहनत करके आओ, ये नहीं चलेगा तो ये तो तुम्हारे लिए मूछ लगा के पुलकित भाई या तो बाल बढ़ा लो या दाढ़ी काट लो। कुणाल कामरा लग रहे हो। कुणाल कामरा भाई खुदा मिर्चा लग रहा है आजकल। अरे हाँ हो तो ऐसा मन बैठा है। नहीं उसके लिए बड़ा मजेदार लोग लिख रहे थे कि देखो जिसको फिर याता रहा यू बिकम व्हाट यू फाइट दिया करके कुछ कोट लिख रखा था। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। नहीं मतलब ये शोध का विषय है, वो आदमी बिल्कुल अगर पैरेलल फोटो लगा दे दोनों की वो लग रहा है एकदम जवानी वाले तो अमित शाह। तुम कह रहे हो 370 में उसको मिलना चाहिए था रोल अमित शाह जी का, रोजगार उसके बेचारे के शो भी नहीं चलने दे रहे ये लोग, मतलब तो जनता ही नहीं चलने दे रही। खैर आज मजनू के टीले में मनोज तिवारी गए थे, उन्होंने कहा नागरिकता मिलते प्रधानमंत्री आवास भी दिया जाएगा। अच्छा अगर ये समाचार सही है तो ये तो फिर तो हर रोज एक नया जख्म टाइप का हो जाएगा। हाँ रजाकार मूवी आ रही है 15 को। रजाकार अरे वो फिल्म बहुत मतलब मैं तो हर ट्रेलर उसका एक देख रहा था, काफी स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं। रजाकार मतलब नहीं नहीं वो तो है स्ट्रॉन्ग विजुअल, रजाकार और ये क्लैश कर रहा है बस। हाँ, हाँ, शायद, लेकिन अब वही रजाकार थोड़ा सा वो वाला फैक्टर भी तो है ना कि वो इतनी लैंग्वेज वो है कन्नड़ है ना मेरे ख्याल। अच्छा हिंदी में नहीं आ रही है, हिंदी में आएगी लेकिन वो ये डबिंग मेरे ख्याल से उस तरीके की होगी, वो फिल्में होती है ना जो सीरियस डबिंग नहीं होती है जिनकी, मतलब काम चलाऊ टाइप होगी। लेकिन हाँ उसके
विजुअल्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने मुझे लगता है उनको कैसे सर्टिफिकेट उन्हें मिल पाया है। नहीं नहीं, तो वायलेंस ए सर्टिफिकेट मिलता है जैसे बस्तर को मिला है, तो उसी तरह नहीं, से कई होता ना कि ए के बाद भी काटते हैं वो, कि सीन भी कटेंगे। नहीं अभी मतलब ठीक है, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं अजीत भाई, जब सबको पता है कि नेबरहुड में माइनॉरिटी क्या हालत है, तभी सब यार पता रहने और फॉर्मलाइज करने में आपको कानून बनाना पड़ेगा। अगर नॉर्मल कानून है कि 6 साल लगते हैं सिटीजनशिप के लिए और उनको आप फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो उसको संसद से ही वैसे कानून बनते हैं, इसलिए होता है। हाँ, तो ये जो हम चर्चा कर रहे थे, अभी सेंसर बहुत हद तक बदल गया। बस्तर में भी उस दिन हमने बात की तो उन्होंने ही बताया कि आज भी मेरी बात हुई विपुल शाह से और सुदीप तो सेन जो डायरेक्टर, उन्होंने बोला कि संसद अब कहता है कि हम एक भी सीन नहीं काटेंगे। पूरे बस्तर मूवी में जितना उन्होंने दिखाया केवल जेएनयू का नाम था तो उसको म्यूट कर दिया, वो ऐसे करके बोला। अब जेएनयू के नाम से बाय द वे एक मूवी आ रही है, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी करके एक वो आ रही है। तो खाली वो क्या बोले कि जितना वायलेंट सीन उसमें तो ऐसे ऐसे दृश्य हैं, मतलब एक छोटी बच्ची है 2 साल की, उसको फेंक दिया वामपंथियों ने आग में, जलते आग में ऐसे करके, और एक्चुअल में 8 बच्चियों को फेंका गया था, 8 बच्चों को, तो एक ही दिखाया है। तो ये सारे दृश्य सेंसर बोर्ड ने पास किए हैं, तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि एक एक जिस पर भी क्वेश्चन था हमने उसको डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, एविडेंस दिए हैं कैसा एक्चुअल में हुआ है, वो पास। तो रजाकार में भी जो दिखाया गया है, अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस सरकार में जो सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो बेटर, मतलब बोले एविडेंस दो करो जो नहीं, कई बार वही है ना सिनेमा की ब्रूटेलिटी, अगर वो नहीं दिखाओगे तो मतलब नहीं, फिर तुम मत बनाओ। हाँ। वही शिंडलर्स लिस्ट अगर तुम नहीं दिखा पा रहे, वो एक सीन था उसमें जिसमें वो उसका बंदूक अटक जाती है, वो सीन अगर आप जब तक फील नहीं कर सकते वो सीन, एक नॉर्मल आदमी को लगेगा कुछ भी तो नहीं हो रहा। फिल्म देखते समय जब आप ट्रेवल करोगे तो आप कहां पर हो हर मोमेंट पे जब वो क्लिक हो रहा है, ऐसे ही रजाकार में था, जनेऊ टूटते हुए जो उसमें दिखाए हैं वो आपको फील जब तक नहीं करोगे, कोड़े पड़ रहे हैं महिला के फिर तो नंगी पीठ पर, आर्टिकल जाके पढ़ ले विकिपीडिया पे जो ट्विस्टेड आर्टिकल्स है वही पढ़ ले, तो फिर फिल्म का तो मतलब ही होता है ना कि उस ब्रुटैलिटी का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जितना हम दिखा सकते हैं वो हम दिखाएं। तो हाँ वायलेंट है, बच्चे ना देखे, ए सर्टिफिकेट दो और उसको रिलीज करो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अंतिम 2-3 प्रश्न जो भी हम ले लेंगे। अच्छा नहीं, कौशिक मकवाना जी धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आप लोग जुड़े हमारे साथ, आपने चर्चा की, इसके लिए हम जो है आपके आभारी हैं। अब मैं जो है वो हमारा कहाँ है, एंड स्क्रीन किधर गया वाले में, शायद नहीं सीधा ही हमें करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों हमारे पास एंड स्क्रीन जो है किसी तकनीकी समस्या के कारण नहीं है, आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आभार। शीघ्र हम बस्तर फिल्म का भी वो रिव्यू लेके आएंगे 1-2 दिन में, अब देखते हैं कि कल क्या डेवलपमेंट्स होती है कुछ चीज़ों को लेकर के, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जुड़ने के लिए आभार, हम दोनों की तरफ से नमस्कार,